बार डिस्कस कर चुके हैं, बट आज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने किसी के लिए एंगर पकड़ के रखा है तो ये ऑडियो के साथ साथ ही उसको आज रिलीज करना है। इट इज नॉट वर्थ इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज नॉट वर्थ इट कि हम अपने अंदर एंगर को पाले, क्योंकि वो हमारा नुकसान करता है। दूसरी बात ये है कि इट डज नॉट मैटर, क्योंकि बेसिकली हमारे साथ वही हो रहा है जो हम डिजर्व करते हैं, तो सामने वाला गलत कैसे हो सकता है? सामने वाला बस एक माध्यम था, वो सो चैनल कि वो हमारे साथ वो चीज करे, लेकिन अगर हम डिजर्व नहीं करते, हमारे साथ वो नहीं होता। ये हमने बहुत बार सेशंस में डिस्कस किया है, ये हमने घेसा है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी, ऐसा कोई है पर्सन अभी जो अटेंड कर रहा है सेशन, जिसने अभी भी किसी के अगेंस्ट पे एंगर पकड़ के रखा है? देखिए, मुझे काफी चीजें दिख जाती है। आई विल रिक्वेस्ट द वीई मेंबर्स, स्पेशली हमारे जो वीई मेंबर्स हैं, उनमें से अपने दिल में टटोल के देखिए, पेरेंट्स के लिए किस किस ने एंगर पकड़ के रखा है, किस किस ने स्पाउस के लिए एंगर पकड़ के रखा है, किस किस ने रिलेटिव, फ्रेंड्स, कलीग, बॉस के लिए एंगर पकड़ के रखा है। प्लीज रेज योर हैंड और बताओ अभी के अभी, वी विल हेल्प यू। हाँ प्रीत, अभी भी पकड़ के जिस जिसने रखा है उसको रिलीज करना होगा। इसका मतलब आप बेसिक पॉइंट को ही नहीं समझ रहे हो। वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपके दर्द के लिए, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। ओके, मैं आई विल स्टार्ट विद योगिता फर्स्ट बिकॉज शी इज अ वीई मेंबर। योगिता, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और बोलो। मैम, मुझे ये तो समझ में आ जाता है कि हाँ मेरे से गलती हुई, पर वो गुस्सा आ जाता है मुझे उससे ही बहुत प्रॉब्लम, मतलब वो उस टाइम पे बहुत एक्सट्रीम गुस्सा आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है तुम ही बताओगी? लैक ऑफ सोल स्ट्रेंथ। हाँ ठीक है, नॉलेज तुम्हें पता है लेकिन तुम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही हो बिकॉज सोल स्ट्रेंथ की कमी है। तो सोल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए दो चीज करनी पड़ती है, एक तो हमारा रिजर्वायर भरना पड़ता है और दूसरा लीकेजेस को रोकना पड़ता है, क्योंकि एनर्जी लीक हो जा रही है। तो अपने लीकेजेस को आइडेंटिफाई करो, कहाँ कहाँ लीक हो रहा है। योगिता, मैं कहीं पे भी फोकस नहीं कर पा रही हूं मैं। अच्छा ठीक है, मुझे बुलाओ अपने पास। बताओ मैं आई कि नहीं? मेरी आंखों में तो आंसू है। आई थिंक आप आ गए हो मेरे पास में। ठीक है, अब मैं अपना हाथ तुम्हारे सर पे रखती हूँ, जस्ट रिलैक्स। देखो, तुम्हें अभी फिर से वो क्रॉनिक प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। हाँ, तो विच इज नॉट गुड। काफी काफी दिनों बाद फिर हुआ ना? हाँ हाँ, तो चलो आज हम दोनों मिलकर ये पेन को रिलीज करते हैं। मेरा हाथ है तुम्हारे सर पे, जस्ट रिलैक्स, फील माई लव। और जो तुम्हारा जो भी ब्लॉकेज है या जो भी लीकेज होने के जो स्पॉट्स है, मे दैट बी सील्ड। कैन वी हैव अ क्लेयरवॉइंट प्लीज? जी मैम, कौन है? एंटू? जी मैम, मैम हाँ, चलो देखो क्या है। योगिता का क्यों नहीं सस्टेन हो रहा है? वो लीड ही नहीं, बेस ही नहीं है, वो उड़ा हुआ है। ओके, छेद भी अच्छे से आप बोली तो वो जितना भरता है वो निकल जाता है। ठीक है, मे आई सील ऑल हर होल्स एंड क्रैक्स राइट नाउ, सो बी इट। मे अ न्यू रिजर्वायर बी फॉर्म्ड विच कैन स्टोर हर एनर्जी एंड हर सोल स्ट्रेंथ सो दैट शी कैन इम्प्लीमेंट द नॉलेज बेटर। होने लगा ठीक है, और योगिता का जो पूरा जो डैमेज हो गया एब्डोमिनल एरिया, मे दैट स्टार्ट हीलिंग राइट नाउ, सो बी इट। योगिता, कोई पेन है तुम्हें उधर? जैसे पीरियड्स के टाइम पे पेन रहता है ना, वैसा पेन रहता है अभी।
अच्छा अभी कितना है? अभी बहुत हल्का है, मतलब फिर भी सपोज 3 2 मैं, कितना है? हाँ 1 बोलूंगी मैं अभी। अच्छा ठीक है, तो ये पेन तुम्हारा ये 1 भी 0 हो जाएगा, तो तुम बताओ ठीक। तब तक तुम बस मुझे आई लव यू बोलो, मेरा हाथ है तुम्हारे सर पे, मैं सारा कुछ हील कर रही हूँ, तो जैसे 0 हो जाएगा अनम्यूट करके बता देना। हाँ हाँ रिलैक्स, इतना अब क्या क्या पकड़ के रखा है, छोड़ दो, स्माइल करो। क्या माँ स्माइल। हाँ कोई बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, स्माइल, इतना कुछ नहीं पकड़ना है। रमा जी आप मुझे अपना पूरा किचन दिखा रही हैं, खाना भी खिलाएंगी क्या? किचन दिखाने से नहीं होगा। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट किसने हाथ ऊपर किया था? लेट्स गो, उनके तरफ जाते हैं। आई थिंक इट वाज हर्षिला। हाँ हर्षिला ने हाथ हर्षिला नीचे जी कर ने लिया। चैट में लिखा है, चैट पे लिखा है उन्होंने। अच्छा ठीक है, ठीक है, एक एक काम करो, जिनका हाथ ऊपर है उनसे क्वेश्चन पूछ, उनको बोलो अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछे नितिका, और फिर आई आंसर अगर ऐसा कुछ है वेर आई नीड टू आंसर, एल्स फर्स्ट इंद्रनील विल ट्राई टू आंसर। हाय कैन यू हियर मी। हाँ कल या बोली, हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाते थे। आई यू नो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट थिंक दैट आई एम होल्डिंग ग्रज फॉर एनीबॉडी, बट आई एम जस्ट सिंपली कीपिंग, क्या बोलते हो, नॉट इन टच। तो हाउ डज दैट evaluate or justify the scenario as Rupalima was saying that holding kya bolte gussa. Uncle, I really didn't get your question. What was your question? Are you just commenting on your situation? When she was asking now that if you are holding anger for anybody. Yes, Uncle. I had anger issues, right, with certain people who have not been according to what I desired or whatever. And of course, with the forgiveness prayers and all that is going on regularly, and mentally also I'm at ease. I don't have any grudge or anger, so to say. But certain people I'm still keeping myself away from, you know. So what do you say about that? Especially Maruk, you know. I'm not very, I've just, पिछले 2 साल से तो लगभग समझो, I have not kept in touch. Because of obvious reasons, but then anyway, you know, it's a forgiven and forgotten matter. So I don't want to repeat on that. But I just want to, don't want to get instigated. That's why I'm keeping myself away. ओके आई गॉट व्हाट यू आर सेइंग अंकल। आप एक चीज बोलिए, आप एक्चुअली आपका आंसर खुद ही दे दिए, यू गेव योर ओन आंसर ओनली। तो आपको आप अभी भी कॉन्टेक्ट नहीं करना चाहते या नहीं कर रहे हो, क्या वो आपको कोई तकलीफ दे रहा है कि आप जस्ट आपका सर में है बट कोई तकलीफ नहीं है, ये बोलिए पहले। हाँ इनफैक्ट आई डोंट नो, आउट ऑफ एवरीबडी इन द वर्ल्ड आई ड्रीम्ड अबाउट हर गोइंग एंड मीटिंग हर। हाँ तो वो भारी वाला काम भी अकाउंट होगा ना अंकल, आपको आपको तो पता ही है स्टोरी। देखिए अंकल, देयर लॉट ऑफ पीपल जिनके साथ हम नहीं बात कर रहे या दूध रखे, माने बार बार बोला दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। देखिए हमारा पौधा छोटा है और हमारा सोल स्ट्रेंथ उतना है नहीं, बट अगर आप खुद को कंपेयर करो बिफोर द डे यू ज्वाइन सोल पीस एंड टूडे, आप 70-80% बहुत कम कर चुके, इतने सारे सब अकाउंट थे, करेक्ट। बस बस दैट इज गुड, यू दिस इज द एंटायर लाइफ राइट, यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, तो सब कुछ आज कैसे हो जाएगा? आई सपोज या बस यू आर स्लीपिंग पीसफुल अंकल, बस बस दैट इज द बिगेस्ट थिंग दैट यू कुड हैव अचीव, जस्ट कंटिन्यू डूइंग द पाथ, यू हैव वंडरफुल मेंटर्स एंड यू हैव ऑलवेज बीन गाइडेड बाय, तो ये चीज लेके टेंशन मत कीजिए। हाँ पौधा छोटा है तो आप
अगर आप जब तक आपको दर्द नहीं हो रहा है यू कैन गो नॉट टॉकिंग विद समबडी अनलेस यू आर रेडी टू फेस दैट पर्सन. ठीक है, जब रेडी हो गए यूनिवर्स विल गिव यू द साइन. डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट फ्रेट योरसेल्फ सो मच ना. थैंक यू, थैंक यू सो मच. माँ कुछ और मिस किया मैं? नहीं, परफेक्ट. कैन वी गो टू द नेक्स्ट? हमें ये थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा. अनायशा, अनायशा चंदवानी, स्वीट. स्वीट सुशांत, स्वीट का माइक्रोफोन ऑन है बट शी इज अनेबल टू स्पीक. हेलो, हाँ शी इज ऑडिबल नाउ. प्रीत यू आर ऑडिबल, थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आके अब बात करो. ओके, मेरा एंगर रिलेटेड एक ही इशू है कि यू नो वी सपोर्ट पीपल, हम अच्छा सोचते हैं लोगों के बारे में, बट देर आर अ फ्यू पीपल हु आर ऑलवेज बुलिंग यू, ट्राइंग टू पुट यू डाउन, ट्राइंग टू शो यू डाउन. तो मुझे उसी बात पे बस गुस्सा आता है उन लोगों के साथ, एंड दे आर वेरी क्लोज. लाइक तो आप सपोर्ट मांगते हो, आपको मिलता है, बट जब हमारा टाइम आता है तो यू स्टार्ट बुलिंग. मेरे लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यू नो दे ट्राई टू पुट मी डाउन, बट मैं वैसे नहीं करती. आई इनफैक्ट शो सपोर्ट बट आई गेट द रिवर्स. तो मुझे बस उसी चीज पे गुस्सा आता है, दैट व्हाई आई एम गेटिंग दिस. समझा. ओके प्रीत, अब वी विल रिवाइज द पोस्ट. सो डिड यू रीड माय पोस्ट ऑन कुरियर बॉय? यस आई रेड दैट. चलो इंप्लीमेंट करो अभी तुरंत, बोलो. ओके, आई एम जस्ट अ डिलीवरी पर्सन एंड आई डोंट एंटाइटल, इट्स ऑलरेडी पेड इन एडवांस फॉर मी जो भी मुझे. करेक्ट. अपने कर्म के थ्रू. नहीं 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 नहीं, बट नहीं सुनो, या तो इम्प्लीमेंट करना है या तो फिर इस रास्ते पे चलना ही नहीं है. वीसी में नहीं जाना, विक्टिम कॉन्शियसनेस में नहीं जाना. उसका कर्मा उसने पहले पे किया था. यू हैड अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ कुरियर बॉय कि मैं ये उसके साथ करूंगी, अच्छा करूंगी. उसका पास कर्मा नहीं होता, तुम चाह कर भी नहीं कर पाती. तो उसका कर्मा था, तुमने उसको हेल्प किया, तुमने एप्लीकेशन दी थी एज अ पॉजिटिव चैनल. तुम नेगेटिव चैनल भी बन सकती थी पर तुमने पॉजिटिव चैनल का एप्लीकेशन दिया, तुमने उसके साथ अच्छा किया, विच इज गुड, उसका अच्छा हुआ. तुम्हारे पास इतना कर्मा होता तो वो भी तुम्हारे साथ अच्छा कर पाता, प्रोवाइडेड उसका इतना कर्मा होता कि वो पॉजिटिव चैनल का रोल प्ले कर सके. सामने वाले के पास भी तो उतना कर्मा होना चाहिए ना कि वो पॉजिटिव चैनल का रोल प्ले करे. ये क्यों भूल जाते हो? अगर उसका नहीं है ये कर्मा तो वो नहीं कर पाएगा. तुम्हारा भी कर्मा होगा तो ही तुम्हारे साथ अच्छा होगा. सो अगर एक सैटेलाइट व्यू से देखो, किसकी गलती है इसमें? मेरी होगी, मेरी होगी. आई डोंट नो बट आई एम नॉट एक्सेप्टिंग. मेरी होगी नहीं बट प्रीत, फिर कोई मतलब नहीं होता तुम्हारे साथ. जो तुम अगर इस स्टेट में रहोगी कि मेरे साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तुम हमेशा विक्टिम कॉन्शियसनेस में रहोगी और तुम पेन में रहोगी. एम क्या है? पेन से निकलना है ना. यस हाँ. तो अब जब नॉलेज है, नॉलेज को यूज करो, फुल 100% यूज करोगे तभी तो पेन से निकलोगे. थोड़ा थोड़ा नॉलेज यूज करोगे, थोड़ा थोड़ा छोड़ दोगे तो नहीं होगा. अगर तुम्हारा कर्मा रहता, इतना भी ट्राई किया ये कहने के थैंक यू यू बिकेम अ चैनल, तभी मैंने फॉरगिवनेस और इन सब की तरफ मैं मुड़ी, नहीं तो शायद अगर मेरे लाइफ में ऐसी सिचुएशन नहीं आती, आई वुड हैव नॉट टर्न टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी. बट देन फिर वो और अच्छा. ये एक पार्ट था. सेकंड पार्ट है आउट ऑफ फॉरगिवनेस. आर यू प्रैक्टिसिंग आउट ऑफ फॉरगिवनेस? लाइक कैन यू एक्सप्लेन? नहीं समझा. अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसको रोकना जरूरी है, उसको टोकना जरूरी है. जैसे वो हाँ, तो दोबारा उसको हेल्प मत करो. सो दैट वो समझे और वो वैल्यू करे तुम्हारे हेल्प को. दिस इज आउट ऑफ फॉरगिवनेस. एक आत्मा को गलत काम करने से रोकना होता है सो दैट वो डिस्करेज हो कि फर्दर और गलत करे. तुमने उसको हेल्प किया, तुम्हारे टाइम पे उसने हेल्प नहीं किया, दोबारा वो हेल्प मांगने आया, तब उसको नो बोल सकते हो. बोलना कि नो, you need to understand that you have to also give in order to get. that is fine, that is okay.
फॉरगिवनेस मतलब ये नहीं होता कि अपना सब कुछ देते रहो देते रहो देते रहो, खुद कंगाल हो जाओ. नो ठीक है, ये नहीं. वो इनर फॉरगिवनेस है कि ठीक है ये सारा नॉलेज को यूज करना इनर फॉरगिवनेस कि हम पेन में ना रहे, लेकिन आउट ऑफ फॉरगिवनेस में तुम्हें उस आत्मा को सबक सिखाना जरूरी है. तो वो अगर तुम कर रहे हो सो दैट्स इट. अच्छा मैं प्रीत कितने सारे लोगों को हेल्प करती हूँ इस ग्रुप के थ्रू, कितने लोग आते हैं माँ 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 आई लव यू माँ आई लव यू माँ बोलते हैं, रात भर बैठ के उनका केस करती हूँ, हाँ उनको पर्सनली जितना पॉसिबल है करती हूँ, फिर एक टाइम आता है वो पलट के भी मुझे नहीं देखते, तो क्या मैं हेल्प करना छोड़ देती हूँ? नहीं ना, क्यों नहीं छोड़ती हूँ? क्योंकि जितना कर्मा था उनका मुझसे हेल्प, मैं तो सिर्फ चैनल हूँ, हेल्प तो भगवान करते. अगर हम अपने आप को डूअर मोड में रखेंगे कि मैंने हेल्प किया तो हमेशा ये इशू आएगा. मैं अपने आप को डूअर मोड में रखती नहीं हूँ, एक चुटकी में भगवान मुझे गायब कर सकते हैं, किस बात का घमंड? ऐसे 1000 रूपाली खड़ा कर सकते हैं भगवान रातों रात, किस बात का घमंड? ये तो मेरा सौभाग्य है कि भगवान ने मुझे ऐसा पॉजिटिव चैनल यूज किया कि मुझे एक गुड काम करने का मौका दिया. आज जो मैं तुम सबका दुख कम कर सक रही हूँ ये मेरा सौभाग्य है कि भगवान ने मुझे इतना लायक समझा. उनको तुम्हें लगता उनको मेरी जरूरत है? नहीं, ऐसे मिलियंस ऑफ रूपाली वो रात को खड़ा कर देंगे. सो ये इस स्टेट ऑफ माइंड में अगर आप रहोगे देन आप डूअर मोड में नहीं रहोगे. आप डूअर मोड में नहीं रहोगे तो पेन ही नहीं होगा. भगवान ने तुम्हारे थ्रू उसको हेल्प किया. अगर भगवान नहीं चाहते तुम चाहकर भी हेल्प नहीं कर पाती तो किस बात का पेन? समझा? या सो बेसिकली इट्स माय ईगो दैट इज कि मैंने कुछ किया हो. करेक्ट, वेरी गुड. एंड यू आर अ वेरी फास्ट लर्नर, इसलिए मैं एफर्ट लेके तुम्हें समझाती हूँ. यू आर वेरी स्वीट और तुम में इम्प्रूव भी आ रहा है. So I'm very happy with you. बस बस डियर, थोड़ा और कदम, एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो. पास्ट का ग्रज है कि कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, कुछ ऐसे बातें अब्यूजिव सुनी है ना, तो वो एक इट्स अ पेन इनसाइड के अरे मैंने कभी ऐसे किसी से कहा भी नहीं है. एंड समवन इज यू नो मतलब आई कैन नॉट टेल यू इन वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स वो छुपते हैं कभी कभी अंदर. अच्छा मेरा अभी लेटेस्ट पोस्ट तुमने देखा था How long should we hold on? उसमें देखो मैंने फोटो लगाई थी. कोई कोई आदमी का ब्रेन के साथ टंग का कनेक्शन टूट गया होता है, वो बकवास बात करते हैं. अब उनके बकवास के लिए हम अपने आप को पेन दे, वी लव आवर सेल्स राइट, डोंट वी लव आवर सेल्स? वो नहीं, उन्होंने हमसे प्यार नहीं किया, पर हम तो खुद से प्यार करते हैं. उन्होंने एक बार गलत बात बोली और मैं उसको पूरे 2 साल 4 साल तक खुद को रिमाइंड करा कर के मैं अपने साथ तो ज्यादा गलत कर रही हूँ ना. उसने गलत किया, मैं ये नहीं कह रही कि उसने गलत नहीं किया, उसने बुरा किया, उसका उतना कर्मा था, वो बैड चैनल बना तुम्हारे लाइफ में, तुमको गलत बात बोली. पर तुम अपने साथ क्यों गलत कर रही हो? तुम बार बार वो चीजों को रिपीटेड रिपीटेड लूप में याद कर 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 टेप रिकॉर्डर जैसे अपने साथ तुम क्यों गलत कर रही हो? तुम सिंपली बोलो ठीक है पास्ट लाइफ में मैंने इतना ही अब्यूसिव बात किसी को बोला होगा तो ये चैनल बन के आया, इसने मुझे पेन दिया, दैट्स इट. रात गई बात गई, दिस कार्मिक अकाउंट इज ओवर, नेवर टू रिटर्न बैक अगेन. स्टिल देयर इन योर लाइफ एंड वो रोज की हैबिट है उनकी वैसे आपसे बात करने की. यू डोंट ट्राई टू इंटेंड, यू डोंट वांट टू इन्वॉल्व आल्सो. अब दूर रहते हो उनसे एक ही घर में रहके, बट स्टिल दे विल कम एंड दे विल पुट देयर नोज इन. उसको कुछ माला चैंटिंग डोनेट करो, उसे रोज ब्लेस करो, ये नेगेटिव कार्मिक अकाउंट खत्म हो जाएगा. तब तुम एंटाइटल्ड ही नहीं रहोगे उसके पास से दुख मिलने के लिए. खुद को बचाओ. ऑरा स्ट्रॉन्ग करने का आई रियलाइज दैट वो फास्ट फैन बनना है. हाँ, अरे कितना मुझे रोज कितना कुछ सुनना पड़ता है. बट आगे बढ़ो, मैं बोलती हूँ इसको मैंने कितने बार बोला है कि उसको बॉडी पे फेयर एंड लवली जैसे लेपना नहीं है. वो इंसान सिर्फ तुम्हें बुरा बोलता है ऐसा नहीं, जो इंसान अंदर से पेन में रहता है वो सबको गलत बोलता है, सबको बुरा बोलता है, वो खुद से खुश नहीं है ना. वो
एक जो खुश रहता है जो इंसान अंदर, वो सबको प्यार बांटता है, और जो इंसान फ्रस्ट्रेटेड रहता है वो सब पे गार्बेज फेंकता है। वो गार्बेज को लेकर तुमने सजा कर अपने सर पे क्यों बिठा के रखा है? हटाओ, कम ऑन यार, हटाओ अभी के अभी, अभी हटाओ उसको, ब्लेस करो। वो कनेक्टेड नहीं है ना डिविनिटी से, वो गलत कर रहा है। इसलिए एक एक इंसान जिसका एंगल टेढ़ा है, वो उसको सीधा एंगल उसका करने के लिए उसे ब्लेसिंग्स की जरूरत है, क्रिटिसिज्म की नहीं। हम उसे क्रिटिसाइज करेंगे तो उसका एंगल और टेढ़ा होगा। दर्द से छुट्टी पार्ट वन वाला वीडियो फिर से देखो, नहीं सॉरी, ये है दर्द से छुट्टी पार्ट थ्री, दर्द से छुट्टी पार्ट थ्री वाला, पार्ट थ्री वो फिर से देखो, वो एंगल समझो। हम अगर उनके तरफ क्रिटिसिज्म वाले वाइब्स भेजेंगे, उसका एंगल और टेढ़ा होगा, वो और इरिटेट करेगा। तो सीधा करने के लिए यू नीड टू ब्लेस, यू नीड टू सेंड पॉजिटिव वाइब्स, एंड यू नीड टू इमेजिन कि वो अच्छा कर रहा है, उसमें इतना सोल स्ट्रेंथ आ गया है। इन लोगों पे ज्यादा सिंपैथी रखनी पड़ती है, क्योंकि वो कौन कड़वा बोलता है जिसके अंदर कड़वाहट भर गई है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, बिकॉज ऑफ डिस्कनेक्शन विद डिविनिटी। तभी वो इंसान गलत करता है और कड़वाहट भरता है, और दूसरों पे वो स्प्रेड भी करता है। जो इंसान कनेक्टेड विद डिविनिटी रहता है, वो प्यार अंदर प्रोड्यूस करता है, प्यार ही बिखेरता है। सो अपना पेन कम करो, ये सारे सेशंस का एम है, अपना पेन कम करो विद द राइट नॉलेज। हाँ, वरना हम विक्टिम कॉन्शियसनेस में रहेंगे। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन, वेरी लास्ट। पर्सन मतलब आपके पीछे प्लॉट कर रहा हो, लाइक talking behind you, मतलब सबको ऐसे दिखा है कि oh, she is only wrong, I am the best, जो ऐसे लोग होते हैं, तो कैसे उन्हें handle करना चाहिए? When you see in, के हाँ वो आपके बारे में सबको भड़का रहा है and all that, नीता, आपको dealing with spiritual criticism का audio share करने बोला गया था ना, आप सुने हैं वो? Yes. इसमें पूरा answer दिया आपका। Okay. Please listen to that again, you will get that answer. सारे आंसर्स ऑडियोज में है। तुम जो जिनको भी डिस्क्राइब कर रही हो, वो सिर्फ अलग अलग वैरायटी के नेगेटिव कार्मिक अकाउंट्स तुम्हारे लाइफ में आ रहे हैं। तुम रूट को ट्रीट करो, तुम लीव्स पे फोकस कर रही हो, तुम कितने पत्तियों को काटोगी, कितने पत्तियों को सुधारोगी, रूट को करो। तुम्हारे अंदर से जो नेगेटिव लोअर इमोशंस हटना चाहिए वो हट गए, तो कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। ये सारे ट्रिगर्स आते हैं हमारे लाइफ में टू पॉइंट इट आउट टू अस कि वेयर वी नीड टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स। और कोई एम ही नहीं है यूनिवर्स का। करेक्ट। पीठ पीछे बोलने दो, मेरे पीठ पीछे भी कितना षड्यंत्र होता है। तो मैं कोई काहू में मगन, कोई काहू में मगन, मैं तो उनमें मगन जिनसे लागी लगन। तुम कृष्णा में लीन रहो, अगर वो चाहेंगे। देखो ये है सरेंडर, अगर कृष्णा चाहेंगे तो ही कोई तुम्हारा कुछ बाल बांका कर सकता है, नहीं चाहेंगे तो तुम कुछ नहीं, तुम पे असर होगा। सो वेयर इज द इशू? नो इशू। ठीक है, फियर से निकलो, सब कुछ से निकलो, जिसको जितनी बकवास करनी है करने दो। यू बी कमिटेड टू लव, यू बी कमिटेड टू डिविनिटी, यू बी कमिटेड टू पॉजिटिविटी। बस हम सब है ना तुम्हारे साथ, इसलिए तो तुमको ये ग्रुप मिला है। थैंक यू सो मच। ठीक है, मधु कुमार का हैंड अब है। मधु मौसी, मौसी अनम्यूट करो। हरे कृष्णा। हाँ सुन रहा है, बोलिए। मेरे साथ भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि मुझे एंगर या गुस्सा मेरे अंदर बहुत ज्यादा आता था, अब मैंने थोड़ा कम किया है। और वो गुस्सा जैसे माँ बोलती है कि बहुत टाइम तक बना रहता था, तो मैं अपनी हेल्थ उसकी वजह से मैंने एक तरह से खराब कर ली, कि मैं वही बात सोचती रहती थी कि मैं कुछ लोगों के साथ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ और लोग मेरी बात नहीं मानते या गलत रास्ते पर जा रहे हैं, और
थोड़ा सा गुस्सा करने के बाद मेरा बहुत देर तक मेंटल टेंशन बना रहता था, मेरी रात में नींद भी नहीं आती थी। और अभी प्रेजेंटली मेरे साल डेढ़ साल से ये हुआ है कि मेरे मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा छाले भी नहीं कह सकते, मुंह की स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से मैं कुछ भी खाना पीना ढंग से नहीं खा पा रही हूँ और उससे भी मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहती हूँ। गुस्सा करना तो मैंने बहुत कुछ कम कर दिया है जब से मैं इस ग्रुप में आई हूँ, और मैं ये समझने लगी हूँ कि गुस्सा करने से अपना ही नुकसान होता है, दूसरे का नुकसान नहीं होता है। और जिन लोग की वजह से गुस्सा आता था वो बहुत सारे कारण पीछे छूट भी गए हैं, और जो हैं भी वो भी थोड़ा बहुत तो चेंज हो ही रहे हैं। तो अब मुझे गाइड करिए कि मुझे क्या करना चाहिए। हाँ मधु जी, कल ही मैंने नितिका और निकेता को बोला था कि आपके अंदर 89% ग्रज मुझे दिख रहा है, तो वो 89% ग्रज के वजह से आपके मुंह में छाले होना या व्हाटएवर स्किन खराब हो जाना वो हो रहा है। ये जैसे आप रिलीज कर देंगे ना पूरा, हाँ ऑफकोर्स इम्प्रूवमेंट है, आपने जब से ये प्रैक्टिस स्टार्ट की हार्डली एक वीक या दो वीक ही तो हुआ है आपने ज्वाइन किया, तो वो इम्प्रूवमेंट 3-4 सेशन में 3 सुन चुकी हूँ। ओके, तो अभी पेन है मुंह में एट प्रेजेंट, आपका कुछ पेन फील हो रहा है? हाँ पेन होता है, जी पेन होता है, और मतलब मैं केवल नमक हल्का खा पाती हूँ, मिर्च मसाला तो बिल्कुल ही नहीं खा पाती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी का पेन 10 पकड़ते हैं, 0 to 10 के स्केल में आपका है 10 मैक्स, ठीक है। नितिका ग्रज का लेवल देखते रहे परसेंटेज, और उससे कम होगा तो फिर तुम मुझे बताते रहना, और आप मुझे मधु जी आप पेन अगर 10 से 9 या 8 आता है बताते रहेंगे। राधे कृष्ण, मैं आ रही हूँ आपके पास, आपके सर पे हाथ रख रही हूँ, मेरा हाथ पकड़ लीजिए, एक हाथ से मेरा हाथ पकड़िए, दूसरा हाथ मेरा आपके सर पर है। एकदम थिक ब्लैक एनर्जीज अंदर हैं, थिक एकदम, दिख रहा है नितिका? हाँ माँ बहुत ज्यादा, इट्स लाइक टार, वो स्लज जैसा रहता है ना वैसा है, वेरी थिक स्लज। Veins and subveins and ऐसे roots जैसा पूरा दिख रहा है माँ, पूरा मतलब it has gone very deep। हाँ वो पेड़ ही बन गया जैसे। ठीक है, बाकी जिनको भी ये ग्रज का इशू है मुझे अपने पास बुला के एक उंगली मुझे टच करके रहिए, आपका भी मैं निकाल देती हूँ, सारे जो भी अटेंडीज हैं, आज के आज खत्म करते कचरा को, ठीक है। राधे कृष्णा, हे प्रभु कृपा करे इनके अंदर से सारे नेगेटिव लोअर इमोशंस इंक्लूडिंग ग्रज, अनफॉरगिवनेस, जो कुछ है विक्टिम कॉन्शियसनेस, पूरा इनका खत्म कर दीजिए प्रभु। राधे कृष्ण, जैसे जैसे ये खत्म होगा मधु जी आपको हल्का फील होने लगेगा जी। नितिका तू परसेंटेज बताते रहे। माँ अभी ग्रज एनर्जीज इज एट 375। ओके, तू तो डरा देती है बिल्कुल, मैंने तो फिर भी कम मैं वही सोच रहा था तो आ जाए करके बोलते थे सामने बेचारा से समझा के मैं पहले इट वाज 1000 crores, अभी 3 पे तो 3 फिगर्स पे आया है। तो मैंने बोला ना 89%, इसलिए मैंने परसेंटेज में बोला, तू बिल्कुल वो पॉइंट्स में बोल के डरा देती है एकदम, ठीक है। चले कम ऑन, मे ऑल द ग्रज बी कंप्लीटली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आवर बॉडी राइट नाउ, सो बेट उतरा नीचे 117 पे आया। गुड, चलो फटाफट निकलो ग्रज, फटाफट एकदम। सारा विक्टिम कॉन्शियसनेस फटाफट निकलो, कोई मतलब भी नहीं होता है विक्टिम कॉन्शियसनेस रखने का, क्योंकि सारी गलती हमारी होती है। उंगली सामने के तरफ पॉइंट आउट नहीं करेंगे, उंगली हमारे अंदर हमारे तरफ ही पॉइंट आउट होगा। हमारे साथ वही हुआ जो हम डिजर्व करते थे, एंड ऑफ स्टोरी, कोई गलत नहीं है, सब अच्छे हैं, सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, सब सबके अपने अपनी खामियां हैं, उसमें उनको जीना पड़ रहा है, सब यहाँ सीखने आए हैं, ना मैं परफेक्ट ना वो परफेक्ट,
जैसे मुझसे गलतियां होती उससे भी होती है। चलिए रिलीज, मुट्ठी खोल दीजिए माधु जी, मुट्ठी खोल दीजिए। बोले मैं सबको माफ करती हूँ, सबको माफ। हाँ मधु जी देखिए आपका पेन कम हुआ, थोड़ा टेन से कुछ कम हुआ। यस यस मैम। कितना हुआ? अभी नहीं फील हो रहा, पूरा चला गया अभी, एट प्रेजेंट तो नहीं लग रहा बिल्कुल। ओके गुड, ठीक है कोई बात, वेरी गुड। चलो चलो पूरा निकलो फटाफट, कचरा पूरा क्लेंस हो, इनका पूरा बॉडी क्लीन हो जाए, इनका पूरा सोल क्लीन हो जाए। May she be connected to Radha Krishna right now, so be it. May golden energies enter her crown chakra. May it purify her entire body. May all the excess energy and the unwanted energy go down to Mother Earth right now, so be it. Mother Earth, thank you for your protection. Slight burp alert, ma. Slight purple is a divine color. Burp alert. Achha burp alert. ए, मैंने डिसाइड किया मैं नहीं खाऊंगी अब से कचरा, वो वीई के पिट में फेंक। ओके डन। मैं मोटी होते जा रही हूँ इसी चक्कर में, मेरे को नहीं करना। हुआ हुआ, अभी इट्स एट 55। वेरी गुड मधु जी, चलिए मेहनत करते रहिए, माफ करिए, पकड़ पकड़ के माफ करिए, जिस जिसके प्रति गुस्सा आ रहा है उनको पकड़ के आई लव यू बोल दीजिए, पुच्ची दे दीजिए गाल पे। ठीक है ठीक है। बोले तेरे वजह से मैं अपना नुकसान क्यों करूं, मैं इतनी बुद्धू थोड़ी हूँ। नहीं बुद्धू नहीं, खाना नहीं खा पा रही तेरे। हाँ नहीं बोलो, मैं अपना टेस्टी टेस्टी पनीर बटर मसाला नहीं खा पा रही, तेरे वजह से मैं बुद्धू थोड़ी हूँ, मैं माफ करती हूँ तुझे, जा खुश रहे। ठीक है थैंक यू। करिए करिए 40 पे आया। ओके चलिए कम ऑन फटाफट राधे कृष्ण। और भी बाकी लोगों का क्लेंजिंग शुरू है? एवरेज ग्रुप का अराउंड 49% डन। वेरी गुड। सब आज निकाल दीजिए कचरा, ये कचरा शरीर में रखने से रोग होते हैं, रोग, यू इनवाइट डिजीजेस, इसलिए माफ करना जरूरी है। मस्त खुल के लाइफ एंजॉय करिए, पार्टी करिए, घूमिए फिरिए, प्यार करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस नफरत नहीं करनी है, दुखी नहीं रहना है। सब वही हम सब करते थे। ठीक है एकदम एकदम हटाइए, सबके लिए कह रही हूँ मैं। कुछ भी देखिए, कोई भी चीज पाप नहीं होता जब तक वो किसी का पेन का कारण नहीं बनता। बाकी सारी फालतू बातों को हटाना है दिमाग से। सैटरडे को नाखून काटने से पाप, तो मंडे को बाल धोने से पाप, ये सब में मत जाइए। वो वही पाप जिसके वजह से आपको पेन या किसी और को पेन या मदर अर्थ को पेन, बस वही पाप और कुछ भी पाप नहीं है। सो लाइफ को एंजॉय करना है, लाइफ को खुल के जीना है, सिकुड़ के नहीं रहना है, एकदम खुल के जिए। प्यार करना कभी गलत नहीं होता, नफरत गलत होता है। हमारी सोसाइटी ने ऐसा इमेज बना दिया है कि हम किसी को बोल नहीं सकते हम किसी से प्यार करते हो तो, लेकिन हम खुल के बोल सकते हैं हम किसी से नफरत करते हो तो। वाह, मत जिए उस टाइप के सोसाइटी में, हमें चेंज करना है सब कुछ, अब से खुद से हम चेंज करेंगे। सो छोड़ दीजिए सारा, एवरीथिंग रिलीज। कितना बचा मैम? मौसी का अराउंड 27 एंड ओवरऑल ग्रुप का 70% डन। जिन फोर लोगों के अभी भी हैंड रेज्ड है, आप लोग भी जो माँ एक्सरसाइज करा रही है ना, उसको एक परी शांति से बैठ के लाइक क्लोज योर आईज एंड ट्राई सीइंग कि आपको कुछ इफेक्ट हो रहा है। मौसी आपको कुछ लाइट या कुछ वैसा फील हो रहा है? हाँ हो रहा है। एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे। हाँ पूछिए। मान लीजिए कि हम किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो मेरे ऊपर गुस्सा करते रहता है हर समय, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए?
वही नेगेटिव कार्मिक अकाउंट है, आप प्यार करते हैं उनको उतना प्यार नहीं होगा, ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये है कि वो अंदर से खुद परेशान है, इसीलिए वो बाहर जहर उगल रहा है, तो उसके अंदर का पेन हमें देखना होगा, वो हटाना होगा। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि आपका कर्मा खत्म हो गया कि उससे प्यार मिले, आप कर्मा बनाइए। वो जलेबी वाला एग्जाम्पल आपको याद करना है कि 10 रुपए में 2 ही जलेबी मिलेगी, तीसरी जलेबी चाहिए तो कर्मा चाहिए, पैसा चाहिए। लेकिन वो करना चाहे तो वो कैसे करेंगे? ठीक करने के लिए आपको पावरफुल फॉरगिवनेस साधना रोज करना है उस इंसान के साथ, चैंटिंग डोनेट करनी है उसको, जितने ज्यादा चैंटिंग आप उसे डोनेट कर सकते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र की चैंटिंग, और आप कोई भी प्रैक्टिसेस करके भी डोनेट कर सकते हैं। और डोनेट करते वक्त आपको ये बोलना है कि सॉरी, डोनेट करते जब भी मैं सेशन लेती हूँ, मेरे घर पे कोई ना कोई वर्कर आ जाता है। सॉरी अगेन, सो बेसिकली आपको आपका और उसका, अगर आपका और उसका नेगेटिव कार्मिक अकाउंट इज ऑन अकाउंट ऑफ 100, आप फॉरगिवनेस करेंगी 95 पे आएगा, आप उसे चैंटिंग डोनेट करेगी 85 पे आएगा, आप उसे और ब्लेसिंग्स देंगी 80 पे आएगा, ऐसे करते 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 उसे खत्म करना है, इट टेक्स टाइम, पर आप शिद्दत से करेंगी जरूर होगा। तो ठीक है, आई थिंक मधु जी का अभी डन है ना? हाँ, आपका डन हो गया। अब आप नोटिस करिए, आप एक दिन या दो दिन लगेगा आपके मुंह के बाकी घावों को हील होने में, थर्ड डे से आप नॉर्मल खाना शुरू कर सकती है कि नहीं, उतना आप नीतिका को बता दीजिएगा, फिर मैं आगे का आपका देखूंगी कि क्या करना है। अभी के लिए मैंने खचरा हटा दिया है, तो इम्प्रूवमेंट पक्का दिखना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच मां, थैंक यू। यू आर वेलकम। ठीक है, ओके, नेक्स्ट किसने हाथ रेस किया है प्लीज? मां पूजा मालवी का हाथ रेस है। पूजा, हरे कृष्ण माँ। हरे कृष्ण माँ, आपको सबसे पहले थैंक यू, थैंक यू माँ। माँ बस मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरा पेन काफ़ी कम है, मेरे को कोई किसी के लिए कोई मन में कोई किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत वीक फील करने लगती हूँ और सिर्फ आँख में आंसू आते हैं। इसके बदले में मैं किसी को कोसती नहीं हूँ, किसी को कुछ नहीं बोलती, मैं उस समय इस मोड पे चली जाती हूँ कि बस आँख में सिर्फ आंसू आते हैं, ना मैं कुछ बोल पाती हूँ, ना मैं कुछ समझ पाती हूँ। और अभी भी मेरे को प्लीज अभी भी फिर वापस रोना आ रहा है, मैं फिर वापस से वैसे ही फील कर रही हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा, मैं किसी में कुछ बुराई नहीं है मेरे को किसी को लेके कि मेरे को इसने तकलीफ दी या उसने तकलीफ दी, बस कभी ऐसा होता है कि रात में अगर मेरी नींद खुल जाती है, मैं अचानक वो सोच दिमाग में वो सब कुछ आ जाता और आँख में सिर्फ और सिर्फ आंसू आते और मैं ये चाहती हूँ कि माँ मैं जो पेन में हूँ उस पेन से वो व्यक्ति भी निकले जिसने मुझे पेन दिया है, वो भी निकले माँ, क्योंकि मेरे को ये आपकी नॉलेज, इतनी नॉलेज तो पता चल गया है कि सामने वाला हमको दर्द तब देता है जब वो खुद दर्द में होता है, तो माँ उसके दर्द को भी कम करो, उसको भी आशीर्वाद दीजिए माँ, मुझे भी। पूजा और वो इंसान मेरे सामने अभी के अभी आए, तुम दोनों की आत्माएं मेरे सामने आए, मैं तुम्हारे बॉडी से वो सारा जो जख्म है वो हील करना शुरू करती हूँ राइट नाउ, सो बेड दोनों का वो पेन हील हो जाए, दोनों का जो नेगेटिव कार्मिक अकाउंट है वो न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट हो जाए मैक्सिमम लेवल पे, जो लर्निंग दोनों को सीखनी है वो दोनों सीख ले, मे दे गेट कनेक्टेड विद डिविनिटी, मे राधा कृष्णाज एनर्जी स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू देम राइट नाउ, मे इट क्लेंस देम कम्प्लीटली। पूजा का वुंड देखो एंटू, हाँ कितना परसेंट वुंड है उसका जख्म? मैं वो मतलब 7 बॉडीज को पियर्स करता हूँ, इट्स लाइक अ परमानेंट मार्क ऑन द सोल। अरे बाप रे, ठीक है, तो मैं रूपाली तत्व भी एक्टिवेटेड इन पूजा राइट नाउ। पूजा तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ माँ, बहुत बहुत, बस बहुत वो आई लव यू बोलो, बस मुझे मन मन में आई लव यू बोलो, मैं तुम्हारे अंदर रूपाली तत्व को एक्टिवेट करती हूँ। हाँ मन से मन में बोलो, मैं रूपाली तत्व भी एक्टिवेटेड इन हर,
मे इट हील हर सोल राइट नाउ. कितना परसेंट हील हुआ? मैं अराउंड 17. बहुत फास्ट हो रहा. ओके. मैं शी बी हील्ड, मैं शी बी हील्ड, मैं शी बी, मैं ऑल हर पेन बी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड. मैं शी फील हैप्पी, मैं शी फील फुल, मैं शी फील एट पीस. माँ जो बाकी बॉडीज में इनका वुंड है वो पिछले जन्म से है. Because this account is from past 57 incarnations. तो जो बाकी बॉडीज में इनका वुंड है वो पिछले जन्म से है, इसीलिए इतना डीप है. उन बॉडीज को मैं हग करती हूँ, पुच्ची देती हूँ और उन सबका पेन मैं एब्जॉर्ब कर लूंगी. मैं एक्सट्रैक्ट कर लेती हूँ पेन. आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, उधर कोई काम नहीं है तुम्हारा. मेरा पेन हैंडल करने का थ्रेशोल्ड ज्यादा है. आई एब्जॉर्ब इट. पूजा देखो कम हो रहा है रोना? पेन कम लग रहा? अभी तो सिर्फ मुझे रोना आ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सिर्फ रोना आ रहा है और वाइब्रेशन हो रही है बॉडी में. वाइब्रेशन हो रही है, ठीक. मुझे हग करके रखो. हाँ. पेन इज बीइंग सक्ड आउट नाउ. ठीक है. The entire process is about 40% done already. ओके, ठीक है. ये होने दो बैकग्राउंड में. तब तक योगिता, तुम्हारा पेन जीरो हुआ? हाँ माँ, मैं सबके सब बात कर रहे थे तो मन भी बस खुश हो गया था. हाँ, लेकिन जीरो हुआ पेन? हाँ माँ. ओके, ठीक है, गुड. ठीक है, ये पूजा होने दो. मैं 5-10 मिनट में फिर से पूजा को पूछूंगी. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पर्सन. विद्या. विद्या, विद्या आप हो? प्लीज अनम्यूट करो अपने आप को. ठीक है. हाँ, निलेश जी. Yeah, hi. Good morning, everyone. Thank you. I know it's 12 o'clock. थोड़ा time मतलब already काफी late हो गया. But I just have this question. मेरा anger level जो है काफी कम हो गया है towards my spouse. But I'm supposed to meet her this Friday. And no, I'm just Friday. जैसे जैसे दिन करीब आ रहा है तो थोड़ा सा resentment build up हो रहा है. It's not as bad as what it was say 2 months ago before I joined this group. लेकिन फिर भी that thing is there, I'm just trying to figure out because काफी सारे practices कर रहा हूँ मैं already, like powerful forgiveness and other things. But वो थोड़ा सा, I mean it's not as bad as it was before, but थोड़ा सा वो as the day is coming closer, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि that build-up is occurring of this anger and resentment. ठीक है, okay. So Nilesh, अभी उसको अपने सामने imagine करो. वो है, अब जैसे कोई, मैंने एक एग्जांपल दिया था, जो कोई डॉग होता है जिसका पैर बार्ब्ड वायर में फंस गया है, मतलब कांटा चुभ रहा है उसको, उसको आप हेल्प भी करने जाओ वो आप ही पे भौंकेगा. तो तुम्हारी वाइफ की कंडीशन एग्जैक्टली वैसी है. शी इज नॉट एट पीस विद इन हर सेल्फ. शी इज नॉट कनेक्टेड टू डिविनिटी. उसका कर्मा नहीं था कि वो तुम्हारे लाइफ में पॉजिटिव चैनल बन सके, इसलिए उसने तुम्हें पेन दिया. तो वो ऑलरेडी हेल में है निलेश. She's already in hell. I guess that is kind of true, but mera problem solve nahi ho raha hai to. हाँ, understood. अभी मैं बता रही हूँ next step. तो आपको ये समझना है कि she's already in hell. She is suffering. She is not happy. वो happy होती तो ये सब जो कर रही वो नहीं करती. अब जब when you will face her, you should just have compassion for her. कि अगर वो चिल्लाए, चीखे, गलत बात बोले, आपको लगना चाहिए you are lucky because of your good karma. You are out of that hell. You are on the other side now. वो अभी भी उस कीचड़ में धसी हुई है. So you are stronger than her. ये अपने आप को दिमाग में बैठो. Your aura is now more powerful than her.
सो शी कैन नॉट गिव यू पेन इन एनी पॉसिबल वे. आपको एक ही बात बोला, नथिंग कैन डिस्टर्ब माई पीस ऑफ माइंड. आप वो रिमोट ही उसको नहीं दे रहे हो कि उसका प्रेजेंस भी आपको अफेक्ट कर सके. सो जब आप देखने उसको जाओगे, यू जस्ट इन्वोक मी एंड आस्क मी कि माँ मेरे आसपास आप रैप अराउंड कर लीजिए, सो दैट उसका नेगेटिव ऑरा भी आपको अफेक्ट नहीं करेगा. प्लस मेरा हाथ उसके सर पे बिठा, देख हाथ क्या, ये मेरे जो ग्रुप मेंबर्स है वो मुझे बिठा देते हैं सर पे, अपने बॉस के, कलीग के, स्पाउस के, सबके. तो मुझे बिठा देना उसके सर पे, सो दैट उसका एंगल उस समय एटलीस्ट सही रहे. एंड डोंट वरी, इट विल बी फाइन. जस्ट हो जाने दो. वो इंजेक्शन लगने से पहले जो फीलिंग आती है वही हो रहा है. हो जाने दो, लग जाने दो. इट विल बी बेटर. इस बार अच्छा रहेगा नेले, बिकॉज यू लर्न योर लेसन ना. तो इट विल बी बेटर, डोंट वरी. आई एम विथ यू, आई विल बी विथ यू व्हेन यू मीट हर. ओके, सो आई विल लेट यू नो नेक्स्ट संडे देन. आई विल गिव यू द फीडबैक. या श्योर, ऑल द बेस्ट. एंड या, इट विल बी फाइन. थैंक यू सो मच. थैंक यू. यू आर वेलकम. आई थिंक मेलिसा ने हाथ ऊपर किया था. मेलिसा, यू वांटेड टू से समथिंग? यस, हाय रूपाली मैम. आई एम totally touched by this session. This is my first session with all of you. I am so grateful for being here, Rupali Ma. Thanks to Indranil. Yes, while you were healing a lot of people today, there were a lot of similarities that were connected to me, and I did feel a very light kind of feeling in my body, like, you know, something has just come out of me, just drained out of me. I did feel so. I feel very at peace, very, very calm, and I feel good actually, Rupali Ma. And thanks to you, because of you, a lot of people are being touched and being healed, and basically they are coming close to God. So that is very important. I believe in him, and I will always believe in God no matter what. So thank you so much, so very much for having me here today. I appreciate this so very much. Welcome. Thank you, God. Welcome to our soul family, and we are also happy to have you with us. We really need such souls who are so pure and so sweet. So yeah, you have already joined the group, and Indranil is a very good mentor. He will guide you in everything, and there is a long journey, and hope you enjoy it. So thanks once again. Absolutely. Thank you, Rupali Ma, for your courage, you know, your faith in God. It is you, who people like you, who will help a lot of people to come back to God who have, you know, strayed away from this path. So yes, thank you for having this much courage. You are great. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you. Deepa ji. Haan, panmi to Deepa ji. Haan, bol. Hare Krishna Ma. मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मेरे हस्बैंड है ना, उनको ना 4-5 साल पहले उन्होंने शुगर में ना पैर में उनको जख्म हो गया था, तो हमने उनका ऑपरेशन करवाया था. तो अभी अचानक से उनकी टांग ने इतनी स्वेलिंग हो गई है, जैसे हाथी का पैर नहीं हो जाता है, इतना सूज गया है उनका पैर. माँ प्लीज उनके लिए कुछ करिए ना. आवाज आ रही मेरी? हाँ दीपा आंटी, आंटी मैं बस आपसे ये एक चीज पूछना चाह रही थी. वो SBC के पार्टिसिपेशन करते हैं, मतलब प्रैक्टिस करते हैं? ये ऐसे करते हैं, लेकिन मैं करती रहती हूँ काफी टाइम से. तो आप एक बार उनको चैंटिंग भी सुनते रहते हैं ना, वो चला के देती हूँ मैं उनको, चैंटिंग SBS से सब सब सुनते हैं वो.
हाँ तो वही आप एक बार ही आपका जो मेंटर है ना आप उनको भी रीच आउट कर सकते हो कि वो अंकल से डायरेक्ट बात कर लें या हमारे ग्रुप में से कोई भी उनसे बात कर सकता है जो मतलब माँ कैन ऑब्वियसली करेक्ट मी बट व्हाट आई एम सीइंग आपका मतलब अंकल का देयर इज अ लॉट ऑफ लोअर इमोशन जो जिसके बारे में माँ अभी भी बात कर रही है ना ग्रज है एंड इन एडिशन टू probably there being some kind of PN reason अगर कुछ paranormal या कुछ black magic related events हैं उसके साथ साथ about auntie 80% मैं बोलूंगी इट इज जो उनके अंदर बहुत ज्यादा चीजें भरी हुई हैं वो express नहीं करते हैं वो बोलते नहीं है और उनके अंदर बहुत वो जैसे कुड़कुड़ टाइप का रहता है वो है बरोबर हाँ तो वो चीज निकालने के लिए बहुत जरूरी है कि वो ये ऐसे जो प्लेटफॉर्म जहाँ पे सत्संग है मतलब बहुत अच्छी संगति है वो उस सोल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है तो आप प्लीज अंकल को अगर आप उनके लिए कुछ करना चाहते हो आप उनको हेल्प करना चाहते हो तो उनको इस ग्रुप में आप कन्विंस करो या आप उनको मोटिवेट करो कि वो प्रैक्टिसेस करें क्योंकि जब वो यहाँ पे ज्वाइन होंगे वो एक तरीके से जैसे आपने इतने सारे लोगों का सुना होगा एक्सपीरियंसेस वो अपने कितने सालों का दर्द कितने सालों का जो बैर है उसको रिलीज कर पाए वो चीज बहुत जरूरी है अंकल के लिए अच्छा। अभी वो लो पैर में स्टार्ट हुआ है क्योंकि मतलब माँ ने ये बीजी सेशंस में भी बताया है कि हमारा पैर में दर्द है मतलब कि हमारा बहुत ज्यादा जो है लोअर चक्रास हैवी है कंजेस्टेड है मतलब वो उसमें बहुत बहुत पुरानी यादें बहुत पुरानी मेमोरीज या बहुत ज्यादा पेन और वो प्रेजेंट है तो प्लीज प्लीज उनको आप इस ग्रुप से जोड़िए आपके जो भी मेंटर है आप उनसे बात करिए वरना माँ कैन असाइन किसी और को भी आपसे बात करने के लिए अंकल से बात करने ये सब जो प्रैक्टिसेस हैं वो सब मैं कराती हूँ उनको फॉरगिवनेस मैकेनिकली करना नहीं होता मतलब आप घर पे चला रहे हो मैं सुन रही हूँ बट मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ा या मैं अंदर से हूँ कि अरे आपको क्या पता मैंने गुजरा है मेरे पे आप बीती है तो सिर्फ प्रैक्टिसेस करवाना ही मेन चीज नहीं होता है हमें एग्जैक्टली करना क्यों है वो एक जो यू नो सोच समझ के खुद का चॉइस लेना रहता है ना आंटी वो जरूरी है हाँ वो भी सुन रहे हैं साथ में बैठे ही हैं आप उनको कुछ बोलना चाहेंगी माँ को बोलिए कुछ बोले उनको हाँ मैं बोलती हूँ हाँ, देखिए भाई साहब आपने तो ही सुना आप बाकी लोगों का भी हरे कृष्णा मैं आपका पेन कम कर दूंगी आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व भी हो जाएगा लेकिन प्रॉब्लम आने का रीजन आपको पहले समझना होगा कि प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारा एम नहीं रहता है प्रॉब्लम आता है मतलब हमारे अंदर कुछ एक चीज है जो अनवांटेड है वो निकालना जरूरी रहता है तो आपका ये पेन के वजह से आपको एक काइंड ऑफ एक सिग्नल जा रहा है कि कुछ अनवांटेड चीजें हैं जो आपके अंदर निकालनी है अब जो मैं देख पा रही हूँ आप इंट्रोवर्ट टाइप के हैं इंट्रोवर्ट मतलब जो जो जिनको लगता है जाने दो बोलने से क्या होगा सहलू तो ये करके आपने क्या किया है बहुत कचरा अपने अंदर रख दिया है क्योंकि आपको लगता है कि मैं बोलूंगा अननेसेसरी इशू होगा तो चुप रह जाऊं सही है माँ बिल्कुल सही है हाँ वो वही मुझे दिख रहा है इसके वजह से क्या हो गया है आप चुप रहने लगे हैं और देखिए मैं ना आपसे मिली हूँ ना आपके बारे में मुझे किसी ने कुछ बोला जो और ना ही मुझे आपकी फोटो दिख रही है बस जो मैं क्लियरवांटली देख पा रही हूँ वही मैं बता रही हूँ आप शांति प्रिय इंसान है आपको लगता है शांति बने रहे एट एनी कॉस्ट इसीलिए आपने कचरा अपने अंदर अच्छे से बहुत स्टॉक है एकदम जमा करके रखा है अभी मैं क्या करूं आपको ये निकालना होगा अभी के अभी निकाल लीजिए आप मुझे अपने पास बुलाइए और कहिए कि माँ आपका हाथ मेरे सर पे रखिए और वो सारा जो कुछ है जो आपने पकड़ के रखा है वो उसको बोलिए मैं अपना मुट्ठी खोल रहा हूँ मेरे अंदर से सारे अनवांटेड थॉट्स एनर्जीज
सब निकल जाए. क्या हुआ है, मेरा एक पोस्ट है जिसमें मैंने सिखाया है कि आप अगर कोई आपके साथ कुछ गलत व्यवहार करता है, आप या तो तुरंत, आप सपोज आपको किसी ने गाली दी, आपने तुरंत उसको गाली दे दी, ये एक ऑप्शन है. दूसरा ऑप्शन है आप चुप रहे, आपने अपने अंदर भर लिया, जो कि सेकंड ऑप्शन आपने किया. तीसरा है आप उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करिए, मतलब राइट नॉलेज यूज करके आप उस नेगेटिव को आपने पॉजिटिव कर दिया कि उसने ऐसा बोला, शायद मेरा कर्मा होगा, शायद उसका मूड खराब होगा, शायद वो डिविनिटी से कनेक्टेड नहीं होगा, शायद मुझे कुछ सीखना होगा, इम्प्रूव करना होगा. तो क्या हुआ, वो नेगेटिव जो सामने से आया आपने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया पॉजिटिव में, लेकिन आपने सेकंड ऑप्शन लिया है, सामने वाले ने कुछ गलत बोला, आपने अंदर भर लिया, जाने दो बाबा, शांति बनी रहे. इससे आपके अंदर के चक्रास पोल्यूटेड हो गए हैं और आपने रोगों को वो इन्विटेशन दे दिया, डिजीजेस को, कि मेरे अंदर अभी आओ. टॉक्सिन भर गया ना, कचरा भर गया. तो अब आप क्या करिए, राइट नॉलेज यूज करिए. जिसने मुझे जो बोला उस समय या कुछ भी जो गलत हुआ मेरे साथ, वो मेरे ही कर्म थे. आज मैं सबको माफ करता हूँ. ये सारी बातें, ये सारा विक्टिम कॉन्शियसनेस, ये सारा ग्रज, ये सारा अनफॉरगिवनेस, ये सारा सेल्फ पिटी, कहीं ना कहीं जब हम ये करते हैं, सेल्फ पिटी भी हो जाता है कि मैं बेचारा, वो चीज भी मैं आज कंप्लीटली निकाल देता हूँ. कंप्लीटली निकालिए, जितना ये आप निकालते रहेंगे. और सुपर, आपको एसबीसी में पार्टिसिपेट करना होगा, तो आपका कर्मा फास्ट मल्टीप्लाई होगा. आपका पूरा फैमिली कर रहा है, आप तो नहीं कर रहे. माँ आइंदा से मैं इनका ये कर दूंगी एफबी पे. क्यों, उनको सिखा दीजिए. हाँ सिखाइए. देखिए, आत्मनिर्भर बनाइए. लास्ट वीक मोबाइल ही चोरी हो गया. मैंने बताया था पूनम को भी, मोबाइल ही इनका खो गया है. तो अभी जब ही लेंगे तो तब तक मैं करूंगी इनके तरफ से. हाँ, लेकिन आप इनको फेसबुक अकाउंट बना दीजिए, ग्रुप में ऐड करिए, जैसे वो पोस्ट पढ़ते रहे. आत्मनिर्भर बनाइए. मैं आप लोगों को आत्मनिर्भर बनाती हूँ ना, मैं आप लोगों को सिखाती हूँ कि खुद किस तरह से आपको ठीक होना है. हाँ, तो वो करिए. आप एसबीसी में पार्टिसिपेट करिए, मंडे से शुरू हो जाएगा. तो आज तो रिजल्ट देखिए, आप इन्वॉल्व हो जाइए, तो आपका कर्मा बहुत फास्ट मल्टीप्लाई होगा. साथ साथ ये क्लेंजिंग होगी. एक हफ्ते बाद आपके जो दीपा जी को जो मेंटर, आई थिंक पूनम है, पूनम जरा बता देना कि इनका कुछ स्टेट में डिफरेंस आया क्या. फोटो खींच के रखिए अपने पैर का. आज एक हफ्ते बाद फोटो खींच के देखिए इम्प्रूवमेंट आया कि नहीं. जरूर. इसके अलावा आपको डायबिटीज है क्या? अच्छा, तो मैं बीपी है, डायबिटीज है, ठीक है. मैं हिज पैनक्रियाज भी ही, पैनक्रियाज में स्वेलिंग आ चुकी है, इसलिए वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, जिससे आपका शुगर मतलब और जल्दी हो. ये भी एक रीजन है आपके पैर का. May his pancreas be healed completely, made be cleansed and rejuvenated, revitalized and regenerated right now, so be it. May his sugar levels normalize. किडनी में प्रॉब्लम है आपको? वो भी अभी चेकअप के लिए कल जाना है मैम. किडनी थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे. हाँ, लग रहा है थोड़ा इनको स्वेलिंग. May his kidneys be healed right now. May all the toxins be able to get out of his body through the help of kidneys. So be it. ठीक है. मेगमेन भी साफ हो जाए. ठीक है. थोड़ा सा हल्का क्लेंजिंग मैंने कर दिया है, लेकिन बाकी आप थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और आप सेशंस अटेंड करिए. हम फिर नेक्स्ट वीक आपसे पूछेंगे, हो जाएगा? जी जी. थैंक यू मैम. विद्या हो अभी? हाँ हूँ माँ. हरे कृष्णा माँ, कुछ दिन पहले काफी पॉजिटिव लग रही थी, नया वेंचर भी शुरू किया, काम भी शुरू हो गया, अच्छा रिस्पांस भी मिलना शुरू ही हुआ. बट पता नहीं, दो तीन दिन से बहुत भारी सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत दुखी मन है. दुख हुआ, सीख भी रही थी कि उसमें से कैसे बाहर निकलना है,
कैसे खुद को विक्टिम नहीं कहलाना है, खुद से कैसे प्यार करना है, कृष्ण जी से कैसे प्यार करना है, कैसे जुड़ना है, बट अचानक से सब कुछ जीरो हो गया, ब्लैंक हो गई हूँ। आज तक जितना भी आपसे सुना पढ़ा ऐसा लग रहा है सब जीरो हो गया है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, मैंने एक्चुअली बीच में तुम गेस्ट के वजह से या कुछ उसके वजह से नहीं कर पा रही थी प्रैक्टिसेस, फिर शायद कमेंट्स नहीं कर पा रही थी, तो मैंने तुम्हारी मेंटर संध्या को बोला था कि परेशान मत करो विद्या को, थोड़ा सा उसको अपने हिसाब से करने दो, बट मैं संध्या को बोलूंगी फिर से तुम पे ध्यान देने लगे। देखो विद्या, जैसे हमें रोज खाना खाना पड़ता है, रोज नहाना पड़ता है, उसी तरह स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हमें रोज करनी पड़ती है, ठीक। हाँ। क्योंकि वो स्टॉक हमको वो क्वांटिटी मेंटेन करनी पड़ती है, खुश रहने के लिए, अलाइन रहने के लिए, फंक्शन करने के लिए, एनर्जेटिक रहने के लिए। प्लस क्या हाँ। होता है, एक गलत थॉट और हमारा ये जो बाल्टी है उसमें छेद हो जाता है, तो उसमें हाँ। से एनर्जी लीक होना शुरू हो जाती है। तो अगर हम रोज का रोज बाल्टी भरेंगे भी नहीं तो भी प्रॉब्लम है, और लीकेज हाँ। भी है, तो तुम्हारे केस में लीक हो गया, तुम रोज भर भी नहीं पा रही थी, नहीं मिल रहा था टाइम तुमको, तो वो ऑलरेडी चल रहा था काम, लेकिन अभी कुछ इंसिडेंट हुआ होगा तुम्हारे साथ अभी, जिसके वजह से ठीक है तुमने अपने आप को बोल तो दिया, समझा तो लिया, लेकिन लीक हो गया, उधर एक छेद बन गई है। हुआ किसी ने कुछ गलत बोला तुम्हें? गलत नहीं माँ, एक्चुअली बहुत सी बातें गलत हो गई लाइफ में, मुझसे भी हो गई, मैंने एक्सेप्ट किया, मैं फेस कर रही हूँ, लेकिन जिसके कारण सब हुआ, मे बी ही वॉज चैनल, आई नो, बट फिर भी वो आज इतने मतलब हैप्पी है, और मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा दुखी हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने सब गलत ही किया, कुछ सही भी किया, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ माँ, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ, कुछ भी नहीं, पूरी ब्लैंक हूँ, आई डोंट नो। तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो माँ? कोशिश कर, नहीं मैं अपने आप तो नहीं कर पा रही हूँ, कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, अभी लास्ट वीक ही मैंने नया शुरू किया है, मेरा काम पे भी ध्यान दे रही हूँ, सब अच्छे से भी हो रहा था, कृष्णा जी भी मुझे दिखे ड्रीम्स में, मुझे जैसे लगा कि मुझे आशीर्वाद मिला उनका, पर वापस से दो तीन दिन से पता नहीं माँ बहुत दुखी मन है, रोना चाहती हूँ तो रो भी नहीं पा रही हूँ, मैं अचानक से सुन्न हो जाती हूँ, नम हो जाती हूँ। कोई बात नहीं, हम इंसान है ना, कभी कभी कोई कोई दिन हमारा बहुत अच्छा रहता है, कोई कोई दिन उतना अच्छा नहीं रहता है, कभी कभी सिर्फ लगता है उठ के नहा लो यही बहुत बड़ी बात है, तो कभी कभी हम अपने दिन का सारे टारगेट्स खत्म कर लेते हैं, तो अपने आप को उतना हार्शली इवेल्युएट मत करो, मुझे बुला के एक हग ले लो, एक पुच्ची ले लो और फिर काम पे चलो, मतलब यही हम सब लोग करते हैं, सिर्फ तुम नहीं हो, बाकी भी जितने हैं, नीतिका तो मेरे गोद में ही बैठे रहते हैं मैक्सिमम टाइम, उससे पूछो जब भी होता है, हम यही करते हैं, बोल नीतिका। हाँ विद्या दी, आप ये बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो, ठीक है, मतलब आपको सिर्फ इंटेंट करना है, आपने वो देखा है जैसे वो कोआला बेयर रहता है उस, या एक बड़ा सा बेयर रहता है, वो ममा बेयर जो है अपने बच्चे को ऐसे एकदम छुपा लेती है और वो बहुत कडली कडली सा ऐसा फजी सा लगता है, बस माँ को एक बड़ा सा टेडी बेयर समझो और आप उनको ऐसे हग करो क्यूट से और मस्त, बस जो सही है, करती हूँ कोशिश, लेकिन कभी ऐसा लगता है कुछ नहीं हो रहा है ये सब, उस टाइम और ज्यादा ट्राई करो, जब आपको लगे ना कुछ काम नहीं कर रहा है उस टाइम एकदम जोर जोर से बोलो आई लव यू रूपाली माँ, आई लव यू रूपाली माँ, मेरे को हक चाहिए, मेरे को हक चाहिए, मेरे को हक करो। हाँ, और एक पता नहीं क्लींजिंग साधना करते वक्त मैं नहीं फोकस ही नहीं कर पाती, पावरफुल फॉरगिवनेस करूंगी, हरे कृष्णा मेडिटेशन भी खुशी खुशी करती हूँ पूरे दिन, हमारे अंदर प्रेत है, मुझे दिख भी रहा है, I think तांत्रिक है क्या N2? एक है तांत्रिक और तीन पे प्रेत। हाँ, तुम इतना अंदर मेहमानों को भर के रखियो। माफी देखिए, मैं कंप्लीटली आपके हवाले हूँ, आप जो करना चाहते हो वो कीजिएगा, बस मुझे रहना है, बस खुद को स्ट्रॉन्गली रखा है कि कुछ भी हो मैं सुसाइड नहीं करूंगी, मैं फेस करूंगी, जो आएगा मैं सब फेस करूंगी। अच्छा, राहुल गांधी सुसाइड करता है क्या या केजरीवाल?
वो लोग सर उठा के जीते हैं तो तुम क्यों करोगे? हाजी वो सुसाइड से कुछ वो नहीं होता ना, हल नहीं निकलता। ऐसा होता तो सब ना कर लेते। सुसाइड करने के बाद वो जितना पेन फील फेस किया है वो दोबारा फेस करना पड़ता है मल्टीप्लाइड बाय 2। तो कोई मतलब नहीं बनता है, और ह्यूमन बॉडी भी नहीं मिलती है। फिर बहुत दिन वेट भी करना पड़ता है। वो कि इसके कभी सोचना ही मत, कभी नहीं सोचना, सुसाइडल थॉट्स कभी नहीं लाना है। ठीक है, तुम्हारा केस करूंगी। तुमने SBC किया है ना कुछ? ठीक है, चिंता मत करो। SBC किया है ना? ओके, मे आई एंटर हर राइट नाउ। और उसके तांत्रिक को एक टाइट हगी और पुच्ची। चल बेटा खत्म हो जा, फास्ट खत्म होना तुझे, क्योंकि सेशन चल रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है। डन। अच्छा, प्रे डन। तांत्रिक थोड़ा बहुत बचा है। कितना परसेंट बचा? 17। अरे तांत्रिक फॉर्मेलिटी मत कर, 17% बच के। चल खत्म हो जल्दी। डन खत्म। ओके, अब तुम SCS करोगी और संध्या को बताओगी विद्या कि अब तुम्हें बेटर फील हो रहा है कि नहीं। हाँ जी मैम। हाँ, और एकदम मुस्कुराओ, सब ठीक है, कोई बात नहीं। लाइफ में जो हुआ कार्मिक अकाउंट सेटलमेंट था, मुझे पता है तुम्हारी स्टोरी, सो इट्स ओके, जाने दो, कोई बात नहीं। जो भी हो रहा है उसको कृष्णा प्रसादम बोल के एक्सेप्ट करो। फिर से सूरज उगेगा, फिर से हरियाली आएगी, सब होगा डियर। फिर से जिंदगी खत्म थोड़ी ना हुई है, फिर से जिएंगे हम सब, और मैं हूं ना तुम्हारे साथ, किस बात का टेंशन। मैं साथ नहीं छोड़ती कभी किसी का। लोग मुझे छोड़ देते, मैं नहीं छोड़ती। लेकिन तो मैं हूं, जब भी दुख हो मुझे अपने मन में बुला के हग कर लेना, मेरा प्यार हमेशा रहेगा। यही तो आता है मुझे करना, और कुछ आता ही नहीं। आप हो इसीलिए निकल रहे दूं। बस तुम्हारा मैं ब्लेस करती हूँ। तुम्हारा जो भी तुम बिजनेस तुमने स्टार्ट किया है, जो कुछ भी स्टार्ट किया है, ब्लेस कर रही हूँ विद पॉजिटिव एंड प्रॉस्पेरिटी एनर्जी राइट नाउ। सो बेट, मैंने प्रॉस्पेरिटी एनर्जी की बॉल डाली है तुम्हारे तरफ, सो दैट वो अच्छे से हो जाए। बाकी तुम्हें प्रैक्टिस और भक्ति करके सस्टेन करना होगा। देखो, सस्टेनेंस तुम्हारा काम है। प्रैक्टिस ऑप्शनल नहीं है। जिस तरह सांस लेना ऑप्शनल नहीं है, वैसे तुम्हारे लिए प्रैक्टिस ऑप्शनल नहीं है, क्योंकि तुम्हारा कर्मा काफी लोअर लेवल पे है। तुम अफोर्ड ही नहीं कर सकती हो। तुम्हारे घर में गेस्ट आए, गेस्ट को बिठा के करवाओ। मैं अपने घर पे, मेरे घर में गेस्ट आना बंद क्यों हो गए? क्योंकि जो भी आता था मैं उनको बिठा के प्रैक्टिस करवाती थी, तो कोई नहीं आता। तो जो भी है बोले मुझे तो करना पड़ेगा, देखो मैं क्या कर सकती हूँ, वरना मुझे इधर दर्द होता उधर दर्द होता, ऐसे बोल देना। और करो, और बस, और फिर बताओ उसको, संध्या को बताओ। फिर उसके बाद भी नहीं होता तो तुम्हारा केस करूंगी। ठीक, हम कोशिश करते रहेंगे, हम निकाल लेंगे तुम्हें इस प्रॉब्लम से। जी मैम। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट कौन है, किसने हाथ ऊपर किया? सबके हाथ डाउन हो गए। ओके, आई थिंक करुण पुरी जी का भी शायद था ना? हाँ, उनका चैट पे उन्होंने मेंशन किया था। ही हैड, आई जस्ट रीड इट आउट, उन्होंने क्या लिखा था। I also have a lot of anger issues, volcanic temperament triggers when some things don't work my way. Now I understand that I now need to read the post first, absorb them and see if I can dissipate my anger. बिल्कुल करुण जी, आपको पोस्ट पढ़ने हैं, आपको मेरे भगवत गीता सेशन सुनने हैं यूट्यूब पे, प्लस आपको प्रैक्टिसेस करनी है SBC की। एंड अगेन, इट्स नॉट ऑप्शनल। एंगर आपको अंदर से जला रहा है। एंगर मतलब एक जलते हुए कोयले को अपने हाथ में लेकर सोचना सामने वाला जल रहा है। एक्चुअली हम खुद जलते हैं, तो आप अपने बॉडी में डिजीजेस क्रिएट कर लोगे, इससे अच्छा खुद को पहले बचा लीजिए। ठीक है, और किसका है, और किसे? शोभा जी का हाथ ऊपर है। हाँ शोभा जी। माँ, हरे कृष्णा माँ। एक्चुअली
मैं बस आपका हृदय से जो है आभार व्यक्त करना चाहती थी, आपने जो मेरे लिए किया है मैं उसके लिए आपकी ऋणी हूँ। और मैंने जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ मेरा मन बहुत हल्का रहता है और एक जो डर हमेशा बैठा रहता था माँ आपने वो बिल्कुल मिटा दिया है। मैं अपने आसपास आपको महसूस करती हूँ और एक विश्वास जो मेरा मन मतलब बहुत घबराता था जीवन के प्रति भविष्य के प्रति एक विश्वास मेरे मन में आ गया है। तो मैं आपके आपको पूरी तरह से सरेंडर करती हूँ। लव यू माँ, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। बस ऐसे ही हम लोग का हाथ थामे रहिए। आप दिव्य हो, महान हो, आपको हम लोगों के पेन को ही दूर करने के लिए ईश्वर ने यहाँ पे भेजा है। मैं आपको पूरे सरेंडर करती हूँ, पूरी तरीके से नमन करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ आपको। बस मुझे यही कहना था, मेरे मैसेज आ नहीं रहे हैं, पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है कि मैं लिख रही हूँ बार बार वो जा नहीं रहा था, इसलिए मैंने आपको जो है सोचा कि बस आपको प्रणाम कर लूँ और मुझे कुछ नहीं कहना। हरे कृष्णा, थैंक यू, आई लव यू टू। वैसे मैं कुछ भी नहीं करती, सब भगवान करते हैं, पर खामखा मैं फुटेज खाती हूँ करते तो वो है, मेरे को सामने रख देते वो एडवर्टाइजमेंट में, नहीं होता है फेयर एंड लवली लगाइए, फेयर एंड लवली बनाता कोई और है, लगाता कोई और है, लेकिन एक वैसे लेकिन हमारे सामने माँ आप हो ना, हमारे सामने माँ आप हो ना, आप तो बस मुझे तो आपकी को सरेंडर करना है। आप मुझे जहाँ ले जाओगे हम वहाँ चले चलेंगे। आपको पीएन में ऐड करने के लिए गोल्डन टिक आपका 3/4 आ चुका था, ग्रीन आप हो गए थे, गोल्डन टिक 3/4 आ चुका था कल तक, हम लोग रोज चेक कर रहे थे। अनितिका देख कितना परसेंट बचा है गोल्डन टिक का। माँ भी वैसे ही आ रहा है मुझे अराउंड 15-20% लेफ्ट। अच्छा शोभा जी आप बोलिए अभी मेरे साथ, मैं दिलो जहाँ से इस यूनिवर्स का सेवा करना चाहती हूँ थ्रू सोल पीस ग्रुप। मैं दिलो जहाँ से इस यूनिवर्स का सेवा करना चाहती हूँ थ्रू सोल पीस ग्रुप। हाँ देखो अब नितिका हुआ डन हुआ। बाकी क्लियर वंस एक बार कंफर्म कर दो। यस मॉम डन। वेरी गुड, सो कांग्रेचुलेशन शोभा जी, आप पीएन ग्रुप में आज आपको ऐड कर लूंगी। बहुत बहुत आभार माँ, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, आप सभी का बहुत बहुत बधाई शोभा, मेरी तरफ से थैंक यू दी, थैंक यू, थैंक दो हुआ कि एक है, एक एक एक, मम्मी थोड़ा ज्यादा देख रही दो आएगा तो अब वीई में ऐड हो जाएंगी, वात्सल्य एम्पायर में, वो इस पीएन ग्रुप से और हायर एडवांस ग्रुप है। माँ मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि जब से आपने मेरा जो है वो केस किया है उसके बाद से मैं जो भी करती हूँ उसका मुझे फील होता है कि हाँ मैं फॉरगिवनेस कर रही हूँ तो फील हो रहा है, मैं और भी कोई भी साधना करती हूँ उसका फील होता है मुझे और बहुत अच्छा लगता है। उसके पहले जैसे ब्लैंक सा लगता था कुछ, मतलब वाइब्रेशंस होती थी, महसूस होता था, लेकिन उतनी इंस्टिट्यूट से मतलब मुझे नहीं महसूस होता था, उतनी गहराई से नहीं महसूस होता था, पर जब से आपने मेरा जो है केस किया है मुझे लगता है कि सीधे कहीं से जुड़ जाती हूँ मैं, वो मेरे सामने आप ही रहती हूँ बस, तो मैं आप ही से जुड़ती हूँ। आपके सब कर्सेस वर्सेस कचरा अंदर भूत प्रेत सब हटा दिया ना इसीलिए वो इसी की वजह से हम फील नहीं कर पाते हैं, वो कचरा के वजह से नहीं। वेरी गुड, और आपने मेहनत की। शोभा जी के कमेंट्स पढ़िए आप। देखिए मैं किस में इंटरेस्टेड रहती हूँ मैं आप लोगों को बोल देती हूँ, आप लोग मेरे नजर में तब आते हो जब आप पोस्ट के नीचे कमेंट करते हो, जब आप यूट्यूब में ऑडियोस के नीचे कमेंट करते हो, इतना एफर्ट जब आप लेते हो तो तब मुझे भी लगता है कि मुझे भी एफर्ट ज्यादा लेना चाहिए। जो लोग सिर्फ बैकग्राउंड रीडर्स है वो मेरे किसी काम के नहीं है, मैं आप लोगों को क्लियर बता देती हूँ। आई नीड स्पिरिचुअल वॉरियर्स, ऐसे लोग जिसमें जुनून हो, जज्बा हो कि हाँ हमें भी हेल्प करना है। मैंने अभी लेटेस्ट अपना BG42 में बोला है, सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं होता है, बहुत लोग अच्छे हैं, दे आर वेरी गुड, लेकिन अच्छा करना जरूरी होता है, द विल टू डू गुड एंड टू डू गुड। तो जो जिन लोगों में वो जज्बा है, पैशन है कि हमें अच्छा करना है, हम बैठ के सिर्फ टीवी पे देख के कंप्लेन नहीं करेंगे कि ये गलत हो रहा वो गलत हो रहा, हम एक्चुअली सही करेंगे। जैसे अभी मैं कर रही हूँ ना सही, मैं भी अच्छी थी पर मैं अपने घर पे बैठी रहती थी, अब मैं सामने आकर आई एम ट्राइंग। तो आप लोग सिर्फ घर पे बैठ के प्रैक्टिस करोगे वो मेरे किसी काम का नहीं है, आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट करेगा,
लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका ये इनकार्नेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको स्पिरिचुअल वॉरियर बनना पड़ेगा. उसके लिए आपको भी ग्रुप में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको ग्रुप के पोस्ट शेयर करने होंगे, दूसरे लोगों को ऐड करना होगा, सो दैट आप भी असेट बनो ग्रुप के लिए. शोभा जी हर एक पोस्ट के नीचे उनका कमेंट होता था शुद्ध हिंदी में, पढ़ के मजा आ जाएगा आपको. तो दैट इज व्हाई वो मेरे नोटिस में आई. मैं एक बात आपको ये बताऊं कि जब जब आपने कहा कि मुझे जो है थोड़ी और मेहनत करनी है, तो मैंने दो दो बीजी सुने हैं पूरे पूरे, और मैंने कोशिश की. हालांकि मैं सच कहती हूँ कि आपका आपके जो आप बोलते हो उसमें ना मैं उसका उसका एक पॉइंट भी नहीं लिख पाती हूँ. और लेकिन फिर भी मैंने आपसे एक बार ये सवाल पूछा था और नीना दी से भी पूछा था कि क्या मैं बार बार कमेंट्स कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे जब भी मैं सुनती हूँ मुझे हर बार एक नई बात समझ में आती है और उसको मैं अपने अपनी तरह से सोच करके और जो भी लिखती हूँ सच बताती हूँ मेरी उसमें आत्मा होती है. मेरे पास ना तो शब्द होते हैं ना मेरी उस समय कोई ऐसी थॉट होती है, लेकिन पता नहीं कहाँ से वो चीजें मेरे दिमाग में आती चली जाती हैं और मैं लिखती हूँ उसको. तो मैं बस आपको ही इसका सारा श्रेय देती हूँ कि आप इस चीज के लिए जो है हकदार हो. आपने मुझे वो प्रेरणा दी है, आपसे जुड़ करके मैंने एक जो दिव्यता को महसूस किया है, मैं उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ माँ, बहुत बहुत आभारी. आपने मेरा जीवन बदल दिया है, मेरा जीवन बदल दिया है. आपको बताऊं मैं इतनी पेन में रहा करती थी और बस ड्यू टू यही कि मतलब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं किसी के साथ भी बैठ करके कोई पंचायत करूं, लेकिन दूसरों की बातें सुन सुन करके अपने बारे में और ये सब, तो मुझे इतना पेन रहा करता था. लेकिन अब मुझे कोई शिकायत ही नहीं रही किसी से, और ये इतनी बड़ी जो है इतना बड़ा मेरे अंदर परिवर्तन आया है कि मैं इसके लिए मैं आप जितना भी आपका आभार करूं. और वो सिर्फ आपकी जो है ये जो है ये जो SBC की साधनाएं हैं और ये जो आप बोलते हो जो आप ज्ञान देते हो बस उसकी वजह से. और कहीं मैंने बड़े बड़े लोगों को ज्वाइन किया, सुना, समझा, लेकिन पता नहीं क्यों दिल को भाया ही नहीं कुछ, और लगता था कि नहीं नहीं अरे इससे अच्छी बातें तो मैं कर लेती हूँ. मैं कह रही हूँ ऐसे भाव मेरे अंदर आया करते थे, लेकिन आपको सुनती हूँ एक छोटी छोटी सी बात को आप जिस तरह से डिस्क्राइब करते हो, मैं कहती हूँ कि मतलब सच में दिव्यता है. आप स्वयं जो है दिव्यता की मूर्ति हो. मैं प्रणाम करती हूँ आपको, आभार करती हूँ. मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कभी कभी सोचती हूँ मेरे पास शब्द नहीं होते हैं. मैं दी से कह रही हूँ बोल नहीं पाऊंगी. लव यू सो मच, लव यू टू मच. बस ऐसे ही अपनी कृपा बना. थैंक यू मुझे मोटिवेट करने के लिए. तो मुझे मैं भी कॉन्फिडेंस आता है कि मैं और आगे बढ़ूं और बीजी सेशंस बनाऊं और पोस्ट लगाऊं. ये मुझे काफी हेल्प करता है आप लोगों के फीडबैक्स, क्योंकि जैसे मैंने बोला है हम सब के पास सिर्फ 24 घंटे हैं, दो हाथ दो पैर हैं, उसमें अपने परेशानियां हैंडल करके बाकी लोगों के बारे में सोचना ये बहुत मतलब मुश्किल रहता है. लेकिन आपके ही ये प्यार मुझे प्रोत्साहित करते हैं कि आई कंटिन्यू व्हाट आई एम डूइंग. सो थैंक यू सो मच. हाँ एक बात और कहना चाहूंगी कि आप जो अपने ऊपर काम करने की बात करते हो वो अद्भुत है. एक्चुअली क्या है कि हम दुनिया को सुधारते हैं, दुनिया के लिए बात करते हैं, अपने ऊपर तो हमारा ध्यान जाता ही नहीं है. लेकिन आपका पूरा का पूरा जो है ये केंद्रित ही इस बात पे है कि आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना, अपने को सुधारना है, अपने ऊपर जो है चीजों को देखना है. ये अद्भुत है माँ. मैं इसके लिए आपको जो है बहुत बहुत मतलब साधुवाद देती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपने जो ये काम हम लोगों के दिमाग में और हमारे हृदयों में जो इस बात का बीज डाला है कि हमको अपनी तरफ उंगली रखनी है, हमको अपने को देखना है. ये अगर मैं कहती हूँ कि अगर ये जो आपके बीजी सेशंस हैं और ये आपकी जो भी साधनाएं हैं एक बार सब हर इंसान उसको पढ़ना चाहिए, सारे संसार के लोगों को एक बार पढ़ना चाहिए. और मैं बिल्कुल निश्चित तौर पे कहती हूँ कि अगर वो मन से पढ़ेगा तो वो आपका जो है मुरीद हो जाएगा. बहुत प्रणाम माँ, बहुत प्रणाम. नहीं तो आप कह रहे हैं देखिए एक जौहरी को ही हीरे की परख होती है, पर अगर आप देखो मेरे बीजी सेशंस में कोई लाइक भी बहुत कंजूसी से करते हैं, इसीलिए मुझे कभी कभी लगता है शुड आई कंटिन्यू, सच में असर हो रहा है कि मैं बंद कर दूं करना, क्योंकि आप ऐसा तो सोच ही नहीं सकती हैं. आप तो ना सारे जौहरी नहीं है ना, आप ऐसा क्यों सोचते हो. आप जौहरी नहीं है, सारे जो जौहरी है वो पहचान रहा है आपको. आप ऐसा कर ही सकते हो माँ, मुझे पता है, मुझे आप कर ही नहीं पाओगे. बहुत बहुत आभार आपका. ठीक है थैंक यू. और एंट्री वेल डन, एंट्री एक एक हीरा ढूंढ ढूंढ के ला रही है वैसे. हाँ वेरी गुड एंट्री.
नीना, नीना जी ओके और किसी को कुछ, और किसी ने हाथ रेस किया है, और क्या हम ऑडियो को कंटिन्यू? हाँ हाँ तुषार बोलो। हाँ मैम, राधे कृष्ण माँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। माँ आपसे जुड़ने के बाद मेरा गुस्सा जो पहले था मैम उस लेवल से बहुत कम हो गया है माँ, और गुस्सा भी हल्का गुस्सा आ जाता है मैम माँ, लेकिन उसको मैं कंट्रोल कर लेता हूँ आपकी बातों को याद करके, आपके जो सेशंस हैं उनको, मेडिटेशन जो करता हूँ उनको याद करके, मैं अपने जो एंगर आता है उसको मैं काबू कर लेता हूँ माँ। वेरी गुड। अच्छा केस के बाद से आपका कंसंट्रेशन लेवल में कोई चेंज आया? हाँ कंसंट्रेशन लेवल है, मतलब पहले से, पहले जो था उससे थोड़ा चेंजेस आया मैम, लेकिन थोड़ा माँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो ध्यान थोड़ा भटक जाता है माँ कभी कभी। वो तो वो देखिए सबका भटकता है, लेकिन पहले जो जो प्रॉब्लम्स थी उससे उससे इम्प्रूव हुआ क्या इतना बस बता दीजिए। हाँ माँ इम्प्रूव तो हुआ ना, बहुत इम्प्रूव हुआ ना माँ। थोड़ा मेरा जो 2 साल का बेटा है वो थोड़ा चिड़चिड़ा जैसा करता है माँ माँ, एक्चुअली आजकल उसमें देख रहा हूँ कि कुछ भी उससे, मतलब जो चीज वो खेल रहा है, मतलब जैसे टीवी ही देखते रहता है तो उसको अगर मना करते हैं तो वो चिड़चिड़ा जैसा करता है, भाल में उछने लगता है, कभी कुछ करता है, रोने लगता है इस करके। ठीक है, तो उसकी भी फोटो आप अपने मेंटर को भेज दीजिए, क्योंकि आपका केस हो गया, आपके वाइफ का भी केस हो गया, तो हम देख लेंगे उस पे भी कुछ है क्या। ठीक है, ओके थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा। लास्ट है राम पटेल। हाँ राम, राम जी बोलिए। हरे कृष्ण माँ, आपको धन्यवाद देना था। मैं एक्चुअली क्या हुआ, एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ, लास्ट वीक पुणे गया था तो वहाँ बहुत बीमार हो गया, और मैंने गलत दवाइयाँ खा ली और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा ली, तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया था और ऐसा लगा था हार्ट अटैक आ जाएगा, तो रात को पूरी रात जागता रहा। और फिर SCS मैंने सुना और आपने कहा जो महामंत्र है मैंने वो लगा के वो सुना, और आप प्रार्थना करी आपसे और कृष्ण भगवान से, तो मैं एक दिन में ठीक हो गया, और उस दिन बहुत कुछ ख़राब हो सकता था वो, उससे मैं निकल के बाहर आ गया, तो आपको इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। अरे वाह वेरी गुड, सब तो कृष्णा जी ने किया, बट एक्सेलेंट, आपका सरेंडर लेवल अब काफ़ी बढ़ गया है, सो रंजीत वेल डन, एंड राम आप भी वेल डन, वेरी गुड। तो आपके सरेंडर लेवल के वजह से ही ये हो पाया, मेरा कुछ नहीं रहता है, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, लेकिन चलिए अच्छा हो गया, जो भी मतलब आपकी जान बच गई ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। लग रहा था कि उस दिन मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, बीपी बढ़ जाने से कुछ हो जाएगा, क्योंकि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और कुछ फोन भी नहीं उठा पा रहा था, ऐसी स्थिति हो गई थी और अकेला था मैं। ओके ठीक है, वेरी गुड, आप कंटिन्यू करिए अपने जोर शोर से प्रैक्टिसेस। जी मेरे गले में ताबीज है, पर उस दिन मैं जज में पा नहीं पाई, उसको पहने रहूं कि निकाल दूं? गले में ताबीज, देखते हैं ताबीज के अंदर क्या है। नितिका माँ नेगेटिव एनर्जी है जा। ओके तो ताबीज ने उसको कैप्चर करके रखा है या ताबीज खुद नेगेटिविटी का सोर्स है, वो देखो। नेगेटिविटी का सोर्स पोर्टल है, पोर्टल और पूरा काला एकदम ब्लैक है, एकदम कार जैसा, बली वाली एनर्जीज है उसमें पूरी, उसी से भरा हुआ है, ऐश वगैरह से। ठीक है, सो मे आई न्यूट्रलाइज ऑल दोज एनर्जीज राइट नाउ, मे आई जस्ट एंटर द पोर्टल एंड ब्लास्ट इट ऑफ कम्प्लीटली, मे आई प्यूरिफाई द ताबीज। स्नेहलता जी अब आप उसको निकाल के पानी में बहा दीजिए। जी माँ। आपको किसी ताबीज की जरूरत नहीं है। जी माँ। माँ मुझे ब्लड प्रेशर के
आपकी आवाज कट रही है। मेरे को बीपी की शिकायत है तो सांस फूलती है मेरी ज्यादा। अच्छा ठीक है आपका। अच्छा उस दिन जो हमने केस किया था इन्हीं का केस किया था ना आंख का? हाँ हाँ आपने की थी। तो आंख से आंख में जो दर्द या ऐसा कुछ रहता था कम हुआ क्या? हाँ दर्द तो नहीं होता है माँ, पर जितना पहले दिखता है उतना अभी भी दिख रहा है। अच्छा मतलब विजन में इम्प्रूवमेंट नहीं आया? नहीं आया। ओके ठीक है तो हमको फिर से देखना पड़ेगा कि हम उसको क्या चेंज कर सकते हैं। विजन वाला डिपार्टमेंट हम लोगों को अपग्रेड करना पड़ेगा। ये कोमल का भी सिर्फ 2% इम्प्रूवमेंट होता था। ठीक है मैं अपने ऊपर काम करूंगी। ये वाला डिपार्टमेंट थोड़ा पीछे चल रहा है मेरा। ठीक है बीपी का ना? हाँ बीपी के लिए आपको आप थोड़ा सा आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करिए। बस जैसे वहीं पर खड़े खड़े बैठे बैठे थोड़ा एक्सरसाइज करना है आपको। और आप सुपर क्लेंजिंग साधना तो करती ही हैं, वो रोज दो दिन में दो बार करिए। स्नेहलता जी आप म्यूट हैं, तो सुपर क्लेंजिंग साधना योगिता तुम उनको हाँ, बता देना दिन में बोल दूंगी करें, वो रोज करती हैं उनको दो बार कर लेंगी। हाँ फॉरगिवनेस इशू मुझे दिख नहीं रहा। शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल सोल, बहुत प्यारी आत्मा है, तो ऐसा कुछ मुझे फॉरगिवनेस इशू दिख नहीं रहा उनका। तो ये सुपर क्लेंजिंग साधना दिन में दो बार करने से काफी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। जी मैम ठीक है माँ। ठीक है हरे कृष्णा लव यू। विनय कांबले जी का भी वो है। किसने अनम्यूट कौन बोल रहा है? विनय कांबले का वी कैन टेक। विनय जी आप हो? हेलो। हाँ जी आप सुनाई दे रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ सुन रहा है बोलिए। मैं एक्चुअली आई एम नॉट रियली कनेक्टिंग टू व्हाट इज रियली गोइंग ऑन इन द ग्रुप। मेबी आई एम न्यू सो आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट, बट आई वांट टू रेज वन पॉइंट ओवर हियर। Can you please check that whether there is some black magic being conducted on me or something like that? अच्छा विनय जी किसके उनका मेंटर कौन है? रंजीत। ओके यू वांट टू कंफर्म इफ देयर इज एनी ब्लैक मैजिक ऑन यू? दिस इज व्हाट यू सेड बिकॉज़ वी आर अनएबल टू हियर यू प्रॉपर्ली। या He said that he is not able to understand and relate to what's happening here, and at the same time, he wants to confirm if there is a black magic on him. ठीक है, बता। तो मुझे थोड़ा सा नहीं वो तो है, but I am having a bit of a confusion. But yes, to your question, Vinay ji, आपके ऊपर strong black magic है. अब आपको देखना है कि आप believe करते हो या आप किधर वैड्यू को? नो नो आई हैव अ फीलिंग दैट दैट इज बीन डन ऑन मी एंड सो आई नहीं बट आप लाइक अभी मेंशन किए कि यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग हियर इन द ग्रुप, यू आर नॉट एबल टू रिलेट टू इट। नो दिस टू क्वेश्चंस आर डिफरेंट। ओके सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन टू योर बीएम, यस यू डू हैव बीएम। सेकंड टू योर थिंग दैट यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट टू द ग्रुप, आप एग्जैक्टली आपको क्या कंसर्न है? व्हाई डू यू थिंक यू आर नॉट एबल टू रिलेट टू द ग्रुप? आप अगर कंफर्टेबल हो यू कैन शेयर हियर, और आप रंजीत भैया से भी बात कर सकते। नो नो लाइक द अमाउंट ऑफ लाइक फीलिंग्स पीपल आर हैविंग टुवर्ड्स द रूपाली नो दैट आई एम नॉट हैविंग। अरे ये कोई बड़ी बात है ही नहीं विनय जी। It's fine. You don't have to connect with me. The thing is that if your pain reduces in any way, mera kaam ho jata hai. So after joining the group, did you read any posts or did you hear any of the audios? Yeah, I got. Do you relate to those posts? Yeah, I get it. Yeah,
No, this is not getting it. It is like, are you able to implement that knowledge in your life and your pain reduces or your suffering reduces or you feel better? Still, I am in the process, ma'am. Because you see, there are many layers of materialistic contaminations on all of us. हम सबके आत्माओं के ऊपर layers of material dust होते हैं. तो जब तक वो नहीं निकलता, I'm speaking in Hindi because other people do not understand English here. So is that fine with you? Yeah, it's fine. हाँ, तो हमारे आत्मा के ऊपर मेटेरियलिस्टिक डस्ट काफी होते हैं जिसके वजह से हम वो नहीं समझ पाते हैं, ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं. तो जितना जितना हमारा प्यूरिफिकेशन होता रहता है उतना उतना हम उन बातों को समझ सकते हैं. देखिए, बचपन से हम सबने सुना है कि गुस्सा करना गलत है, लेकिन क्या हम उसे इम्प्लीमेंट कर पाए? नहीं कर पाए. हमें पता है गुस्सा गलत है, लेकिन अभी सेशन में हमें समझ में आ रहा कि गुस्सा क्यों गलत है. तो उसी तरह से जब डीपर प्यूरिफिकेशन होता रहेगा हम और इजीली रिलेट कर सकेंगे. विनय, रंजीत आल्सो मेरे साथ कनेक्शन फील नहीं करते थे स्टार्टिंग में, लेकिन स्लोली ही केप्ट अटेंडिंग, ही डिड नॉट गिव अप. वो अटेंड करते रहे सेशंस, वो ऑडियो सुनते रहे, वो पोस्ट पढ़ते रहे, करते 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 उनका प्यूरिफिकेशन हुआ, उनकी क्लेंजिंग हुई. और उसके बाद नाउ ही इज अ वीई मेंबर. वीई मेंबर एक बहुत बड़ी बात होती है. इतने आसानी से मैं उसमें एंट्री देती नहीं हूँ किसी को, क्योंकि वो डायरेक्ट मेरे निगरानी में रहते हैं. डायरेक्ट मैं उनके ग्रोथ के लिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ यूनिवर्स से. सो यू डोंट गिव अप. अगेन एंडी, नीलेश ने भी कितने बार बोला था स्टार्टिंग में कि उनको इट डज नॉट रिलेट टू एनीथिंग. अगेन रंजीत के ही फ्रेंड है वो, बट टूडे वेन नीलेश स्पोक हिज एनर्जी वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट. वो पहले से अभी मुझे लगता है काफी बेटर फील कर रहे हैं, और उन्होंने बोला भी कि उनका गुस्सा एंड एवरीथिंग कम हो गया. सो इफ यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट विथ मी राइट नाउ, इट्स एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम. आई वांट यू टू बी हैप्पी कैसे भी करके. आपको पोस्ट पढ़ के अच्छा लगता है, उससे खुश है, मेरा काम हो गया. आपको ऑडियो सुन के अच्छा लगता है, मेरा काम हो गया. एंड स्लोली आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा कनेक्शन इफ यू कंटिन्यू दिस. आपने छोड़ दिया अभी तो वैसे भी कुछ भी नहीं होगा, बट आई कैन अश्योर यू वन थिंग, द मोमेंट यू गेट कनेक्टेड टू मी, आई मेक योर कनेक्शन स्ट्रॉन्ग विथ डिविनिटी एंड यू विल फील ब्लिस. सो डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी. एक बार ब्लिस फील कर लीजिए. वो एक ऐसी चीज है कि जो एक बार आपने फील कर लिया ना, तो मतलब आपका जन्म उद्धार हो जाएगा. सो फॉर दैट आई कैन जस्ट request you ki you keep attending the session, you keep working hard, you keep doing the practices, aur jis din aapko mere sath connection ho jayega and you feel that bliss, jaise ye log rote hain, have you seen people, they cry kyunki they feel that bliss, that divinity, wo energy, krishna ji ki energy jo mere andar se flow hoke aap tak jati hai, usko bas ek bar feel kar lijiye. Aage aapki marzi hai, koi zabardasti nahi. Theek hai? Yeah, thank you. I'll continue doing this, but I just want to how I'll be working over this black magic point of. So for black magic, you first have to remove the thought that somebody is trying to harm me. You have to understand ki it's my karma which is coming back to me. First, this thought. Second, you have to increase your powerful forgiveness sadhana. You are entitled for this. That is why this is happening with you. आपका entitlement है, इसीलिए black magic हो रहा है. ये दोनों करने के बाद, if you do super cleansing sadhana दिन में दो बार, you will see a lot of relief in it. And once you feel connected with me, then I can take up your case. Because मैं अगर आपका case करूँ, कोई फायदा नहीं होगा if you are not connected to me. वो energies आप पे असर ही नहीं करेगी. So then I can try to help you with your black magic, जैसे मैंने बाकी लोगों के साथ किया है, but उसके लिए connection जरूरी है. You can go to other people to remove that, but it does not help. I'll tell you the reason. The reason for black magic is purely karmic. ये karmic reason के वजह से होता है. तो एक दो प्रेत वो निकाल देंगे, everything is fine, but वो reoccur होगा जब तक हम अपना lesson नहीं सीखते हैं. So this entire group ke post, audios, everything is to raise your frequency. Dekhi, black magic operates at a lower frequency, a lower vibration. If you raise your frequency and vibration, aap higher vibrate karne lago, aap apna frequency bada lo, black magic asar nahi karega.
मेरे ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया गया है तो मैं ऊपर वाइब्रेट करती हूँ, मेरा कुछ भी असर नहीं कर सकता मेरे ऊपर. दैट इज द की टू इट. यू हैव टू वाइब्रेट एट अ हायर लेवल, एंड टू वाइब्रेट एट अ हायर लेवल आपको अपने थॉट्स को अलाइन रखने हैं. थॉट्स को अलाइन रखने हैं तो उसके बाद ही आप हायर लेवल पे वाइब्रेट कर सकेंगे, वरना आपके थॉट्स आपको नीचे पुल डाउन करके रहेगा. सो देन यू विल गेट अफेक्टेड टू ब्लैक मैजिक. दिस इज देयर. I think you should talk to Indranil about it. Indranil, if you get time, please connect with Vinay. Yes, ma. I'm already planning that with Ranjit. Me, Anindita, and Ranjit will reach out to him next week. Okay. Thank you. Okay, Vinay. All the best. और कोई है? So shall we continue? पवन ने थैंक यू लिखा था चैट पे. किसने? अच्छा पवन. अच्छा पवन आया है आज. ओके पवन, कैसी है दीदी बहन? हरे कृष्णा. कैसी है बहन? मैं राजेश परिहार. मैं अच्छा 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 हाँ अच्छा राजेश परिहार जी बोले. एंड कंचन. हाँ हाँ कंचन, कल ही तो आपका केस किया ना. जी जी मैम. जी माँ. हाँ कैसा फील हो रहा है आपको अभी? हाँ अच्छा फील हो रहा है. मैं आज सॉरी थोड़ा लेट हो गया मुझे ज्वाइन करने के लिए. अच्छा कोई बात नहीं. अब कल से मुझे कंचन काफी ठीक लग रही है. जी मैम कर रहे हैं. मैम कर रहे हैं थोड़ा सा. अच्छा कंचन बेटर लग रही है? हाँ मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है उसको उसके लिए. वेरी गुड. ठीक है. थैंक यू फॉर योर फीडबैक. थैंक यू. पवन को कुछ बोलना है? आपको धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है. पूरे दिल और सम्मान पूर्वक आपका बहुत बहुत धन्यवाद. इसका मतलब है बहन ठीक है. संध्या इज फाइन. वो बोल रहे थे अभी बट आई थिंक नाउ ही इज ऑन होल्ड. उनका शायद अभी होल्ड जस्ट होल्ड पे गया. अच्छा ठीक है. जैसे उनका वो हो जाए ही कैन से बिकॉज इम्पोर्टेंट है. बेसिकली पवन की बहन की हालत बहुत खराब थी. वो हॉस्पिटलाइज थी और उनपे कोई मेडिसिन काम नहीं कर रहा था. टेस्ट भी सारे वो थे नेगेटिव ही थे. शी वाज अबाउट टू डाई बेसिकली. तो उनका केस किया. पूरा दिन लगा था और उसके पवन जी आप आ गए तो आप बोल सकते. हाँ पवन बोलो. बस मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ. अच्छा ठीक है. अभी संध्या पहले से बेटर है? बहुत अच्छी है. एकदम नॉर्मल है. वाह अमेजिंग वेरी गुड. देखो पवन, मैंने संध्या के बिहाफ पे भगवान से प्रॉमिस किया था कि वो भक्ति करेगी. अब तुम्हारा काम है, पूजा का काम है कि SBC में उसको प्रैक्टिसेस करवाना. बिल्कुल बिल्कुल. वेरी गुड. ये बहुत अच्छा लगा. तो जो मैं बोल रही थी संध्या हॉस्पिटलाइज थी. कुछ हुआ ये था. May I interrupt? हाँ मेलिसा. I am amazed. I am. Oh my God. This is such a big miracle. Rupani Ma, you have been blessed. You are chosen by God for all of us. It's like Jesus Christ walking on earth again. I am comparing you to that. It's a big, big deal. I mean, I'm amazed. Thank you. You're doing a beautiful job. Continue with this. We are all touched very, very much. Thank you so much. I'm just a servant of God. Mera koi aukaad nahi hai. Main wo khali pipe hu. Pipe se Bhagwan energy dalte hai and it works. Meri kya aukaad? But anyway, thank you, Melissa. You're welcome. Right. So, पवन की बहन संध्या मैंने बस उसने वो अपने जितना मुझे पता है आई मे बी कुछ गलत बोला तो मुझे सुधार देना. उसके घर के नीचे से किसी की शव यात्रा निकली, मतलब किसी की डेथ हो गई और वो बॉडी जा रही थी और वो देखकर ये बीमार हो गई है. ये बीमार होने के बाद उन हॉस्पिटल में गई और उनपे कुछ भी असर नहीं कर रहा था. जब पवन ने बताई बात तो देखा कि वही जिसका शरीर था उसका प्रेत कोशिश कर रहा था संध्या के अंदर घुसकर उसके बॉडी को कैप्चर करने की.
सिर्फ इतनी बात नहीं थी, बाकी बहुत सारी डीप बात थी। पूरी आर्मी आ गई थी नेगेटिव की, उसको कैप्चर करने के लिए, संध्या को कैप्चर करने के लिए। तो इसलिए हमको वो पूरा दिन लगा, मतलब हमने एक सेट केस किया, संध्या में इम्प्रूवमेंट आने लगा, वो बात करना शुरू की, तुरंत वो बात करना शुरू की, पवन का फीडबैक आया। लेकिन उसके थोड़े देर बाद वो फिर से उसको वही अंदर बेचैनी स्टार्ट हो गई। तो फिर से किया, ऐसे तीन बार किया होल डे में, और फाइनली सारा ब्लास्ट कर दिया मैंने, वो जितने भी नेगेटिव की जो आर्मी थी उनको पूरा ब्लास्ट कर दिया। तो तब जाकर और पूरा सील बिठा दिया एंड एवरीथिंग, और यमदूत भी आए थे लेने। हम लोग जब यमदूत या यमराज को देख लेते हैं, मतलब वो श्योर शॉट होता है उसकी डेथ होने वाली है। तो वो काफी डिफिकल्ट केस था, मुझे खुद डर लगा रहता है क्योंकि मैं कोई गारंटी नहीं ले पाती हूँ। मैं कैसे गारंटी ले लू ना, सृष्टि के काम में मैं रुकावट भी नहीं बन पाती हूँ। लेकिन अच्छा हुआ यमदूत ने मेरा असली रूप देखा और प्रणाम करके उन्होंने कहा कि वो मेरे काम में अड़ंगा नहीं देंगे। एंड ये सब करके, मैं ये आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, मुझे भी बहुत एम्बेरस्ड होता है ये सब बोलना। आप लोग सोचोगे पता नहीं क्या बात कर रही है, बट पवन सामने है इसलिए मैं झूठ तो बोल नहीं सकती, राइट। और उसके बाद संध्या की जान बची है, और अभी उसने बोला है कि शी इज फाइन, सो वेरी गुड। ठीक है, इंद्रनील प्रभु जी, लेट्स कंटिन्यू विद द रिमेनिंग ऑडियो। मां, देयर इज नथिंग रिमेनिंग, यू हैव कवर्ड मोर देन। हो गया क्या, पूरा ऑडियो हो गया? नहीं, मैं 16 मिनट है, बट आई थिंक इट इज अ वेस्ट टू लिसन टू दैट, बिकॉज आपने जो अभी किया वो तो कुछ नहीं है मैम ऑडियो सुन के। तो हम लोग फीडबैक में जा सकते हैं, मैंने सब बोल ही दिया है फाइनली, अब आप लोग अपना ऑडियो सुन लेना। सो मिहिका स्टार्ट कर सकती है फिर? मैं क्या बोल रहा था, मिहिका कैन कंटिन्यू नेक्स्ट वीक बिकॉज इट्स ऑलरेडी 1 o'clock, और वी नीड अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दैट ऑडियो ऑल्सो, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल ऑडियो मा, स्पिरिचुअल मोटिवेशन। एक घंटा पूरा लगेगा उसके लिए मा। मिहिका तुम बताओ, बिचारी प्रिपेयर करके रात भर प्रिपेयर की होगी। मिहिका यू गो, वी हैव नो प्रॉब्लम। हाँ माँ, नेक्स्ट वीक चलेगा, मुझे और टाइम मिलेगा रिवीजन के लिए। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो अच्छा इंद्रनील मुझे यू कंटिन्यू विद जो भी आपका बचा कुचा रहता है, देन वी कैन डू अ चैंटिंग फिर फटाफट। हाँ माँ, बचा कुचा बस दो स्लाइड ही है। तो कविता आर यू देयर नाउ? One second, I'll share the slide. तो हमारा feedback वाला है। कविता हो तुम? हाँ इंद्रनील जी, मैं हूँ। कविता जी एक सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। So कविता has to work today in her office, but still she is doing the entire session by balancing her work on a Sunday and the soul piece. So really that's great. So here is your slide, madam. एक सेकेंड। Okay. Can you see your slide? So you go ahead. Yes, I can. Ha, Kavita, you can share your experiences. I think you have more than one experiences. So let's hear Kavita now. आप हो कविता जी? आई थिंक उनका ड्रॉप हुआ या कुछ, नॉट नेटवर्क इश्यू है। नो, देयर इज हर माइक्रोफोन इज ब्लिंकिंग बट शी इज अनेबल टू सी। यस यस, हां हां, shall I start? Yes ma'am, please. अच्छा, तो there are actually 3 feedback. तो एक feedback मैंने लिखा नहीं है because I'm still stunned about it कि ऐसे कैसे हो सकता है. So that particular feedback is just only for the people who is attending this session. And I really wanted to thank Ma for that third miracle. I was so amazed after hearing that ki ye kaise ho sakta hai, it's just because of you Rupali Ma and Krishna ji. So
तो फर्स्ट जो मेरा फीडबैक है दैट आई हैव ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी गिवन दैट दिस पर्टिकुलर फीडबैक इन आर लास्ट सेशन कि मेरे ऑफिस में एक कलीग थे उनका और मेरा ऐसे 36 का आंकड़ा था. जब भी मैं कुछ बोलूँ तो वो उल्टा ही करते थे एंड मेरे जो भी आइडियाज है और मैं जो भी कुछ बोलती थी तो ही यूज टू लाइक अपोज दैट पर्टिकुलर वन एंड वेन एवर आई ट्राई टू टॉक विद हिम ही इज लाइक यू नो यू डू योर ओन वर्क लेट मी डू माई ओन वर्क. तो ऐसे मतलब जैसे हम लोग ऑफिस में ऐसे हम लोग मतलब मेरा काम होने के लिए मुझे उनके ऊपर डिपेंड करना पड़ता था बट ही वॉज नॉट गिविंग मी दैट पर्टिकुलर हेल्प सो आई वॉज फीलिंग हेल्पलेस. तो फिर मैंने ये इंद्रनील जी को बताया था क्योंकि इंद्रनील मेरे मेंटर थे तो उन्होंने कहा कि कविता तुम पावरफुल फॉरगिवनेस स्टार्ट कर दो और संकल्प चैंटिंग स्टार्ट कर दो. तो मैंने स्टार्ट तो किया था बट ये हो नहीं रहा था. तो संडे के एक सेशन में मैंने माँ के साथ भी ये शेयर किया कि माँ ऐसा ऐसा है. तो माँ ने कहा कि कविता तुम कंपैशन का ऑडियो सुनो फिर तुम्हें तुम्हारा सारा क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे कि क्यों नहीं हो रहा है. तो फिर मैंने उसी सेशन में इंद्रनील जी ने वो कंपैशन का ऑडियो सुनाया और फिर मुझे समझ में आया कि कहाँ पे मैं रॉन्ग जा रही थी. मैं तो सिर्फ मेरे मतलब मुझे ही ध्यान में रख के मैं पावरफुल फॉरगिवनेस कर रही थी. मैं ये नहीं सोच रही थी कि अरे वो जो बंदा अपोजिट में है ही इज ऑल्सो गोइंग थ्रू सम पेन एंड बिकॉज ऑफ विच ही इज बिहेविंग लाइक दैट. तो वो सब कुछ ध्यान में रख के मैंने वापस से स्टार्ट किया पावरफुल फॉरगिवनेस एंड यू वोंट बिलीव विद इन अ थ्री डेज दैट पर्टिकुलर कलीग ऑफ माइन ही केम टू मी एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग वेरी नाइसली एंड ही वॉज आस्किंग अबाउट माई आइडियाज एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव. तो वो सब कुछ मेरे लिए बहुत अमेजिंग था. तो ये एक मेरा फीडबैक है. दूसरा वाला फीडबैक इज लाइक कि आई वॉज स्टक इन वेरी बिग कंप्लेंट. तो मैंने रिंकू दी को फोन किया था. नाउ शी इज माई करंट पेंटर. तो रिंकू दी ने कहा कि कविता यू जस्ट स्टार्ट पावरफुल फॉरगिवनेस एंड माँ को इन्वोक करो कृष्णा जी को इन्वोक करो सब कुछ ठीक हो जाएगा करके. आई वॉज लाइक ओके ठीक है चलेगा. तो It all started from 9 o'clock. तो मैंने रिंकू दी को अराउंड 10 o'clock फोन किया था कि ऐसा ऐसा है और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं और बहुत बड़ा ये होने वाला है ऐसे. तो रिंकू दी वॉज लाइक की वेरी काम एंड उन्होंने कहा कि माँ को तुम याद करो इन्वोक करो सब कुछ ठीक हो जाएगा. आई हैव स्टार्टेड पावरफुल फॉरगिवनेस एंड स्टार्टेड इन्वोकिंग माँ. यू वोंट बिलीव विद इन हाफ एंड वन आवर मेरे को वो कंप्लेंट से मैं से माँ ने और कृष्णा जी ने से फूल जैसे निकल के साइड में रख दिया. और नाउ इट इज लाइक ऑल दैट पर्टिकुलर कंप्लेंट लाइक आई वाज नॉट इन दैट पर्टिकुलर लाइक सिनेरियो. सो इट वाज लाइक कि मैं पहले इतना डर चुकी थी कि अरे नहीं अभी ये इसकी वजह से शायद मेरा जो पर्टिकुलर क्या बोलते हैं उसको पोजिशन है इन दिस पर्टिकुलर कंपनी तो वो भी ये हो सकता है. बट जस्ट बिकॉज ऑफ माँ एंड कृष्णा जी मैं सर्वाइव कर पाई. थैंक्स अ लॉट माँ फॉर दिस. एंड द थर्ड वन इज लाइक लास्ट वीक हमारे ऑफिस में वी वेयर डूइंग वन वैलिडेशन स्टडी. फॉर दैट वी हैव कॉल्ड वन ऑफ द एप्लीकेशन साइंटिस्ट फ्रॉम डिफरेंट कंपनी. सो ही केम टू आवर ऑफिस ओनली फॉर 3 days. But I was like, okay, we cannot complete our validation within 3 days. Can you stay one day more over here so that we can easily complete all the things and you can go after 4 days. Then he said, no, Kavita, already the tickets have been done and I have to go on 12th. So I said, okay, but I don't think so that I hope I will do it because whole day we are behind that validation and we are not getting any time to sit and do other work related to the validation. Then he said, no, we will hum log baith ke late tak baith ke wo kar denge. To fir last din mein aisa ho raha tha ki mujhe kahin pe lag raha tha ki nahi ho payega but that application specialist also scientist also have given me a support
हम लोग लास्ट लास्ट डे पे 11th में हम लोग 9:30 तक ऑफिस में थे. हम लोग काम तो सब कुछ किए, लेकिन मन ही मन में मैं रूपाली माँ को इन्वोक किया था कि इनका फ्लाइट 4 घंटा डिले हो जाए बस. उनका 12th को मॉर्निंग का फ्लाइट था 7 o'clock को. तो मैंने माँ को सिर्फ इन्वोक करके बोला था कि माँ इनका फ्लाइट सिर्फ 4 घंटे डिले कर दो. फिर इतना ही मैंने सिर्फ बोला था. कृष्णा जी को मैंने प्रे किया, फिर उस दिन का काम खत्म करके 11th को हम लोग घर पे चले गए. 12 तारीख को वो एप्लीकेशन साइंटिस्ट ने मुझे मॉर्निंग में फोन किया अराउंड 7:30 और बोला कि कविता तुमने क्या किया. मैंने आई वॉज लाइक कि क्या हुआ. देन यू वोंट बिलीव वॉट ही सेड. ही सेड कविता मेरा फ्लाइट 24 आवर्स डिले हो गया. आई वॉज लाइक वॉट. और मनी मन में मैं हंस रही थी और रूपाली माँ को बोला माँ मैंने आपको सिर्फ 4 घंटा फ्लाइट डिले करने के लिए कहा था, आपने तो एक दिन से उनका फ्लाइट डिले कर दिया. सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस एंड आई वॉज लाइक अमेज ऑफ लाइक रूपाली माँ का इतना मेरे ऊपर ये है और कृष्णा जी इतना प्यार कर रहे हैं. आई वॉज लाइक कि अरे मैं खुद स्टंट थी, मैं खुद हैरान थी. अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो सिर्फ 4 घंटे के लिए बोला था 24 आवर्स. माँ ने प्लस मेरे को 20 घंटा और शैतानी करवाते हो ना तुम लोग. मतलब तुम ये ऋतिका और ये सारी टीम को ज्वाइन कर रहे हो, ये सब लोग मिलके मुझसे शैतानी करवाते हो. कुछ कुछ चीजों में जरूरी पड़ता है, मतलब सी दैट जहाँ पे हमारा काम नहीं चलता. और प्लस आप ही कहते हो ना साम दाम दंड भेद, वही तो. और मैंने बोला था वो साइंटिस्ट को कि तुम 4 दिन के लिए आ जाओ, उन्होंने 3 दिन का ही टिकट कटवाया. उन्होंने पहले ही बोला था, वो नहीं माना तो सामना दंड भेद करेगी ना वो. कार्मिकली उन्होंने कविता इज सेफ क्योंकि उसने पहले ही बोला था. हाँ. वो शाणे बने फिर अपन को जब उंगली सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो टेढ़ी करने का. और मैंने सिर्फ 4 घंटे के लिए बोला था, माँ आपने तो और 20 घंटा मुझे एक्स्ट्रा दे दिया. वो तो मेरा वो क्वालिटी है ना, कोई मुझे एक मांगता है मैं 10 देती हूँ. तुम्हारा काम ठीक से हो गया ना उस बंदे के लिए. गुड गुड, वेरी गुड. कृति दी आप अनम्यूट करोगे? हेलो, आई एम ऑडिबल. हेलो. हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी. कृति आपका नेटवर्क थोड़ा सा कवरेज एरिया के बाद. हाँ, अभी आ रहा है थोड़ा सा. आवाज आ रही है ना? हाँ, अभी आ अभी क्लियर. राधे कृष्ण माँ, माय नेम इज कृति, आई एम निधि सिस्टर एंड आई एम साइंटिस्ट बाय प्रोफेशन. अभी तो बहुत टाइम नहीं है इसमें बोलने के लिए, तो मैं अपना फीडबैक बहुत शॉर्ट में शेयर करना चाहूंगी कि लास्ट 2 मंथ्स बैक आई वाज सफरिंग विद कोविड. और उस टाइम पे मेरी सिस्टर SBC प्रैक्टिसेस कर रही थी और मेरे को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी हैं जैसे कि आर्थराइटिस और सिरोसिस. तो आई लॉस्ट ऑल माय स्ट्रेंथ, मतलब मैं बिल्कुल भी कोविड से फाइट नहीं कर पा रही थी. मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी और मैं अपने घर आई मम्मा के पास. आई एम मैरिड, आई हैव अ 5-year-old डॉटर. तो मैं वहाँ से अपने ससुराल से मायके आई और वहाँ पर मेरे को मेरी बहन ने बोला कि यू स्टार्ट, मतलब मैं बिल्कुल आई एम होपलेस कि मुझे लग नहीं रहा था कि मैं वापस स्टैंड कर पाऊंगी या अगर खड़ी भी हो गई तो बहुत वीकनेस थी मुझे. तो फिर उसने मेरे को बोला कि यू स्टार्ट SBC प्रैक्टिसेस. तो पहले तो मैंने उसको बिल्कुल ना बोल दिया. मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगी कोई प्रैक्टिसेस. पता नहीं कौन सी नेगेटिव एनर्जीज थी जिन्होंने मुझे एकदम ऐसे ब्लंटली ना बोल पा दिया.
और फिर उसने बोला कि दीदी, तो मैंने कहा कि देखो मुझे भगवान का अगर नाम लेना है तो आई हैव टू बी इन द प्रॉपर वे, मतलब आई हैव टू सिट प्रॉपरली, आई हैव टू टेक अ बाथ एंड ऑल दिस, जो भी स्टफ हम लोग करते हैं डेली रूटीन में. मैंने कहा मुझे ताकत ही नहीं है तो मैं कैसे करूंगी, और मैं ऐसे नाम नहीं ले सकती भगवान का. तो शी सेड कि नहीं नहीं दीदी, आप स्टार्ट करो, आप सोते जगते जैसे भी कर सकते हो वैसे करो. फिर उन्होंने मुझे आपका राधे कृष्ण मंत्र दिया, हरे कृष्ण वाला, और SBC प्रैक्टिसेस. उन्होंने बोला कि पहले इन दो पे फोकस करो और चलते रहने दो, चलते रहने दो, आप बोल पा रहे हो तो बोलो, नहीं तो सुन लो केवल. तो मैंने फिर बिल्कुल वैसे ही मैंने निधि को फॉलो करना शुरू किया. तो फर्स्ट 4 डेज तो मैं बहुत इरिटेट हुई. मैंने, वो बोलती थी मेरे को कि 4 चैंटिंग आपको डिवोट करनी है अपने हेल्थ के लिए, और मैं उसको ना बोल देती थी तुरंत. मैंने कहा मैं एक कर लूंगी, बहुत है मेरे लिए. फिर धीरे धीरे 4 डेज के बाद आई रियलाइज कि नहीं नहीं कुछ चेंजेस हो रहा है. और वो चेंजेस, मतलब फर्स्ट डे ही मुझे जब मैंने आपकी आवाज सुनी तो मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गई थी उस आवाज से. तो मुझे ये तो लग रहा था कि मैं इसको छोड़ नहीं पाऊंगी, मतलब भले ही मैं उस चीज को बोलूं मत, लेकिन मैं उससे दूर नहीं भाग पा रही थी. आपकी आवाज इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी प्यारी है, इतनी लविंग है कि मैं उससे बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गई थी. फिर 4 डे से मैंने खुद को संभाला और मैंने सोचा कि मुझे कैसे, एनी हाउ मुझे मरना है, जीना है, जो भी करना है, बट मुझे प्रैक्टिसेस नहीं छोड़नी है. इट्स ऑल, मतलब 4 ही चैंटिंग तो है. और फिर उसने फिर 4 चैंटिंग करी, फिर 10 चैंटिंग हुई, फिर 16 चैंटिंग हुई. फिर वो धीरे धीरे नंबर रेस करते गए और फिर SPC प्रैक्टिसेस से मैंने और प्रैक्टिसेस में स्विच करना शुरू कर दिया. तो ऑल ऑफ सडन मतलब मैं बिल्कुल ठीक हो गई. मेरे को जो बॉडी में पैचेस, सुरोसिस है मेरे को, तो मेरे को बहुत सारे पैचेस भी आते हैं. वो पैचेस भी जब मैंने माँ के सेशन, VG सेशन में, जिस दिन से मैंने निधि को फॉलो किया उस दिन से मैंने माँ के कोई भी सेशन मिस नहीं किए. और वो सेशन सुनने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे जो भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं वो मेरी ही वजह से हैं, मेरे स्ट्रेस की वजह से हैं, और वो तब तक रहेंगे जब तक मैं इन माँ की नॉलेज को अपने अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर लूंगी. तो आफ्टर 15 डेज लिसनिंग ऑल दीज प्रैक्टिसेस मेरा कोविड तो चला गया बिल्कुल. उसके बाद मेरे जो पैचेस भी थे बॉडी में वो भी एकदम गायब, मतलब हमेशा मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैचेस रहते थे जिसकी वजह से मुझे बहुत इरिटेशन रहती थी. लेकिन अभी मेरे को कोई भी पैचेस नहीं है कहीं पर भी. मैं बिल्कुल, मेरी कंप्लीट बॉडी इज लाइक, मतलब बिल्कुल हील्ड है. फिर अभी ये सब चल रहा था, मैं रोज माँ को सोचती थी कि मैं PG सुन लिया, SP कोर्स सुन लिया, मुझे कमेंट करना है. बट आई डिडेंट गेट माई पॉइंट, मुझे समझ में नहीं आता था. मैं थोड़ा सा माइट बी आई एम लेजी और जो भी कह लो, बट मुझे ये लगता था कि मैं कमेंट, मुझे अपना पॉइंट नहीं मिल रहा है कि मैं उस पे, उस फीडबैक पे क्या दूं. वो चलता जा रहा था, चलता जा रहा था. दीदी मुझे बोलती भी थी कि तुम कमेंट्स नहीं कर रही हो, यू आर नॉट डूइंग योर सर्विसेज, तुम माँ के लिए फीडबैक नहीं लिख रही हो. बट माँ के लिए मैंने फीडबैक उसी दिन से लिखना शुरू कर दिया था जिस दिन मैंने फर्स्ट दिन की वॉइस सुनी थी. उसी दिन से मेरा उनसे कनेक्शन हो गया था. तो माँ के लिए तो मैं ये बोलूंगी कि माँ वो है मेरे लिए, जैसे मैं अपनी माँ से तो बॉन्ड हुई हूँ. जैसे कृष्णा जी का 2 माह से कनेक्शन है, वैसे ही मेरा भी अब 2 माह से कनेक्शन है. माँ ने मुझे पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया है, हील किया है. दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ माँ. फिर ये सब चलता रहा और ऑल ऑफ सडन 2 दिन पहले, आई एम सो टायर्ड. अभी मेरे को, आई एम प्रोफेशनली साइंटिस्ट, तो मुझे, आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन US लैब. अभी हम रिलोकेट कर रहे हैं संडे को डेनवर में, मेरा एक लैब में वहां पर हो गया सिलेक्शन. तो आई वॉज वेरी टायर्ड, मैं बहुत टायर्ड हूँ. अभी मेरे को बहुत सारा काम करना पड़ता है. तो रात में मैं जब लेटी 10 बजे, मैं बहुत बीमार थी उस दिन. मैंने फोन किया तो उसने मेरे को बोला, निधि ने, कि तुम माँ को इन्वोक करो और यू गेट हील्ड. तो मैंने माँ को इन्वोक किया. बस मैंने माँ को इन्वोक किया, मैं माँ से कुछ मांगती नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है उनको सब कुछ पता है कि किसको क्या देना है और किसको क्या कौन डिजर्व करता है. तो मैं कभी भी ऐसे नहीं बोलती हूँ कि माँ मुझे ये कर दो वो कर दो. बस मैं माँ से बोलती हूँ कि माँ आप मेरे पास रहना, और ऑटोमेटिकली मैं सो गई. बॉडी पेन बहुत था बट मैं सो गई. सोते ही मुझे ऐसा फील हुआ कि आई वॉज टॉकिंग टू समवन, मतलब मुझे नहीं लगा, मेरी फिजिकल बॉडी से नहीं, बट मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी सोल है इसे एग्जिस्ट करती है और मैं किसी से बात कर रही हूँ. तो जब मैंने देखा तो मैंने देखा वो माँ है और माँ से मैं बात कर रही हूँ कि माँ मैंने आपसे आज तक कोई भी फीडबैक या कोई भी कमेंट या कोई भी अपनी पेन, अपनी कोई भी स्टोरी
स्टोरी जो थी वो आपसे इसलिए नहीं शेयर करी क्योंकि आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग योर नॉलेज मुझे लगता है कि वो सब चीजें बेकार ही हैं बोलना कि मुझे ये पेन हुआ, मुझे उसने परेशान किया, मुझे ऑफिस में ये परेशान करता है, मुझे ये नौकरी नहीं मिल रही, मुझे वो चाहिए, मेरा बच्चा क्रिप करता है, ये बहुत सारी चीजें थी जो मैं लिखती थी बट मैंने कभी शेयर नहीं करी। तो वो मैंने माँ से बोला डायरेक्टली एज अ सोल, हम लोग बात कर रहे थे रात में, इट्स लाइक 12:30 और 1 o'clock, और मैं माँ से बोली थी माँ ये सब तो बेमाने हैं, क्यों हम लोग इन सब चीजों की बात करें, मैं आपसे क्यों इन सब चीजों के बारे में बात करूं, और आफ्टर ऑल हमारा तो एक ही जो जर्नी है वो लास्ट में हमारी यही है कि हमें कृष्णा की भक्ति करना है, और इन सब चीजों से हमें एक ही तरीका है, मतलब ये ईगो हेट ये सब सबके बारे में चुगली करना व्हाटएवर, कि हम अपने खुद के ही एनिमी है और खुद के ही फ्रेंड है। अगर हमने अपने थॉट्स को यूनिवर्स के साथ अच्छे से पॉजिटिवली अलाइन कर रखा है तो आपको सामने वाले बंदे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखेगी और सब कुछ नॉर्मल रहेगा, और सरेंडर टू योर गुरु एंड गॉड, सब कुछ नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर आपने अपने थॉट्स को ही अलाइन नहीं कर रखा यूनिवर्स के साथ, आपको सामने वाले में प्रॉब्लम दिख रही है, आपकी हर प्रॉब्लम के लिए आप किसी और को ब्लेम कर रहे हो, तो आप कभी भी माँ की नॉलेज को एग्जैक्ट वे में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तो इन सब चीजों से बहुत ऊपर हट के जो माँ का मेन एम है हमें, जो वो सिखाना चाह रही है, मर्सी लव कंपैशन और डिवोशन जो मेन है, तो वो हम कभी कर पाएंगे जब हम इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी सोचना बंद कर देंगे। मेरे साथ 5 साल पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था, मेरी चाइल्ड जब बॉर्न हुई थी आई वॉज गो थ्रू अ वेरी क्रिटिकल पेन, मेरे को लेबर पेन हुआ, मैं 10 घंटे 12 घंटे जमीन पे तड़प रही थी, उसके बाद फिर मैं 3 दिन ICU में रही, मुझे पता भी नहीं था कि मैं अपने बेटी को देख पाऊंगी कि नहीं। तो उस दिन के बाद अब मेरी बेटी 6 साल हो गई, मैं अपनी सास को क्रिप करती रहती हूँ, इनकी वजह से मुझे ऑपरेशन नहीं होने दिया, इन्होंने वो रिस्पॉन्सिबल है, उसके बाद मुझे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो गया, ये हो गया वो हो गया, बट आफ्टर लिसनिंग माँ सेशंस आई रियलाइज दैट कि जो हमारी पेन है उसके लिए भी हम ही रिस्पॉन्सिबल है, और जो हमारी खुशियां हैं उसके लिए भी हम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऑलवेज वी हैव टू अलाइन अवर थॉट्स नॉट फॉर आवर सेल्फ फॉर एवरी वन, क्योंकि सबके अंदर भगवान का वास होता है, ये माँ ने हमेशा कहा है और इस पॉइंट को हमें हमेशा याद रखना है। तो मैं अभी इतना ही बोलना चाहूंगी, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है मेरे मन में बट अभी आपके पास भी टाइम की शॉर्टेज है और मुझे माँ की आवाज सुननी है। थैंक यू कृति, अच्छा लगा तुमसे, तुम्हारे मुंह से ही तुम्हारा फीडबैक सुनकर, और आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, यू आर इम्प्लीमेंटिंग द नॉलेज, यही करना है, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर, अच्छे से करो और अच्छे से जॉब करो, अच्छे से सेटल डाउन करो, वंस यू आर सेटल डाउन आई एम कंसिडरिंग यू फॉर PN ग्रुप, तो उसके लिए अगर तुम्हें लगे कि कर पाओगी तो तुम निधि को जरूर बताना। और रहा फीडबैक्स और कमेंट्स की बात, देखो ये तुम समझ सकी, ये मैं समझ सकी कि फाइनली थॉट्स को अलाइन करना है, लेकिन सब क्या ये समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते हैं, लेकिन कोई तुम्हारा फीडबैक तुम्हारा कमेंट पढ़ के शायद समझ सकता है। आज जैसे मुझे सब कुछ पता है कि मुझे पता है कि किस पे वर्क करना है, और यही समझ कर अगर मैं बाहर आकर ही फेसबुक ग्रुप नहीं बनाती तो क्या लोगों को हेल्प होता? तो हमेशा दूसरों के बारे में भी सोचना है कृति, तुम्हारा कमेंट तुम्हारा फीडबैक सब इट विल हेल्प अदर पीपल आल्सो, क्योंकि सब उस लेवल पे नहीं है, इसीलिए मैं ये एनकरेज करती हूँ। प्लस मुझे एक आइडिया मिलता है कि कौन कितना समझ पा रहा है, फर्दर उसको और समझाना है कि नहीं। जैसे कि तुमने ट्यूशन टीचर अपॉइंट किया है अपने लिए, तो फिजिकल वर्ल्ड में भी मुझे कुछ काम करने होते हैं, इनर वर्ल्ड में चलो मैं तुम्हारे पास रहती हूँ मैं कर देती हूँ, बट फिजिकल वर्ल्ड में भी करने पड़ते हैं, तो इसलिए तुम्हें डियर कमेंट तो करना पड़ेगा, तुम इससे नहीं छूट सकती। हाँ तुम्हें कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, आई अंडरस्टैंड बहुत लोगों को नहीं लगता है, बट अगेन इट्स अ बॉडी कॉन्शियसनेस, उसके ऊपर उठ जाओ, हो जाएगा, दूसरों के बारे में सोचोगे हो जाएगा। मैं अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी अपडेट करती हूँ, कोई मुझे डांटेगा नहीं करूँ तो, व्हाई डू आई डू इट, क्योंकि मैं करूंगी इससे दूसरों को मोटिवेशन मिलेगा, समझ रहे हो? इसीलिए हमें हमेशा सबके बारे में सोचना है। अग्रीड? यस
कंप्लीटली एग्री. हाँ अब से करना है, अभी कोई शैतानी नहीं. ठीक है बिल्कुल मैम, बिल्कुल मौका बिल्कुल. ओके ओके डियर, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू मैम, थैंक यू. राधे कृष्ण मैम. राधे कृष्ण. हाँ प्रभु जी कंटिन्यू. या थैंक यू मैम. इसके बाद है, सो थैंक यू फॉर द वंडरफुल फीडबैक एंड डिस्कशन. वी विल गो नाउ टू द एसपी पोस्ट दैट इज फ्रेश फ्रॉम ओवन. तो इस वीक में वी हैव या क्वाइट अ काफी अच्छे अच्छे पोस्ट है इस बार का एज ऑलवेज. आई थिंक यहाँ पर एक टाइपिंग एरर, आई थिंक दैट इज 272 ओनली. पहले वाला तो बहुत ही जबरदस्त रिविजन माने पोस्ट किया था 10 तारीख को 269. प्लीज गो थ्रू दिस. ये तो आपको पता है जो हमारे रिविजन है वो सारे नॉलेज को माँ एकदम छोटा कॉम्पैक्ट करके हमारे डे टू डे लाइफ में जो टेस्ट आते हैं और माँ जो भी पोस्ट करते हैं आप लोगों को पता है उसी दिन टेस्ट भी आता है उसी के ऊपर. तो फटाफट पढ़ के कॉमेंट कर किया कीजिए. माँ ने अभी समझाया कॉमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो भी ध्यान में रखिए. उसके बाद माँ ने क्या किया था, 270 पोस्ट इज एक्चुअली सारे क्लियरवर्ड के साथ माँ ने चेक किया इंटरनली कि हर एक पोस्ट में कितना मैक्सिमम पोटेंशियल पोटेंसीज भरा हुआ. तो लिटरली देयर इज अ लिस्ट कि आप अगर बीजी सेशन सुन रहे हो तो आपको कितना पॉइंट्स मिल रहा है, इनर वर्ल्ड में सीसी सेशन में कितना मिल रहा है, ओटी ऑडियो में कितना मिल रहा है. तो ये लिस्ट सारे ट्राइड एंड टेस्टेड थ्रू क्लियरवर्ड्स है. सो दिस इज एक्चुअली ए गूज़बम्प वाला पूरा लिस्ट है और आपको क्लियरली पता चल जाएगा क्या माँ करने बोल रहे हैं एंड वाई इट इज इम्पोर्टेंट. उसके बाद आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे 271 वाज आल्सो अ वेरी गुड पोस्ट. ये फोटो से आपको ऑलरेडी पोस्ट के बारे में पता चल रहा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो बोल रहा है वो सोच के नहीं बोलते, राइट, वो प्लग खुला है उनका अंदर से. तो ये पढ़ोगे आप तो यू विल अंडरस्टैंड हाउ लॉन्ग शुड वी ड्वेल इन देयर वर्ड्स. कि बाकी बिकॉज ये सबका प्रॉब्लम है, कोई कुछ बोलता है. आप लोग ने जो फीडबैक भी दिया उससे भी एक पैटर्न है जहां इस पर्टिकुलर चीज के लिए काफी काफी लोग भुगत रहे, राइट. तो माने अभी यहाँ पर ये पोस्ट शेयर किया, तो आप लोग प्लीज पढ़िए और लिखिए कि किस तरह से आपने वो लाइफ में इंप्लीमेंट किया. एंड अगेन बोनस थैंक यू मैम, कल माने बीजी 42 रिलीज किया है दैट इज 272. सो आप लोग सबको ही पढ़िए. बस एक पॉइंट बोल रहा हूँ, जो भी यूट्यूब वाला वीडियोस होते हैं ना जो पोस्ट दबाने से यूट्यूब में जाता है स्पेशली बीजी में, तो आप लोग प्लीज कॉमेंट बोर्ड FB में और यूट्यूब में दोनों में क्या कीजिए, जस्ट कॉपी पेस्ट कर दीजिए. इससे क्या होगा, अगर व्यूज हमारा हाई होता है तो ज्यादा लोग तक पहुंचेगा यूट्यूब का ये सारे अच्छे अच्छे ऑडियोज बन के, ठीक है. और उसके बाद वी हैव द SBC. सो SBC टीम पूनम SB और कौन कौन है, अगर आप लोगों को कुछ बोलना है तो प्लीज शेयर कीजिए. नहीं भैया बस अपडेट कर दीजिए सब लोग, आज कितनी भी अपने अपडेट और टोटल नहीं है. हाँ ओके पूनम, कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स आप देख रहे हो कि सब लोग अभी काफी अच्छा लाइन है. हेलो बोलो, कुछ पर्टिकुलर कुछ प्रॉब्लम लोगों का पैटर्न हो रहा है जो आप मेंशन करना चाहते हो कि सब कोई फॉलो कर रहे हैं बराबर. संतोष प्रभु जी हेलो, ठीक है. आई थिंक Not really. Just one point, Indrani, is just that it would help if everyone adds the counts correctly or at least try to enter the counts, because sometimes we see some posts where they have not added okay. the counts. Okay. So, Ranjit, what are you saying here? Here, see, this is the beach part, this is your addition. So, today, for example, after today's session, you have done everything, you have to add everything here, because उसके बाद क्या होता है वो नंबर्स से जो लिस्ट फाइनली माँ पोस्ट करती है ना, तो सारे SBT बैठ बैठ के उनको फिर ऐड करना पड़ता है. तो आप अगर ऐड करते हो सो यू आर एक्चुअली हेल्पिंग देम विद वन स्टेप. उनको फिर बैकएंड में 2-3 घंटा काम करना पड़ता है और फिर काफी लेट भी हो जाता है. तो प्लीज बी कॉम्पेशनेट, ये ऐड करने में शायद आपको मैक्सिमम 5 मिनट लगेगा, तो वो एडिशन कर दीजिए पक्का, ठीक है. ओके रंजीत, मुझे कुछ पूछना था इंद्रनील भैया. हाँ प्लीज प्लीज, कौन बोल रहे हैं? हाँ दीपा. हाँ बोलिए ना. हाँ वो जो हम लोग चैंटिंग डोनेट करते हैं, हम वो भी काउंटिंग करें क्या?
जैसे चार माला मैंने डोनेट की तो वो भी मैं ऐड करूं? यस यस यस, आप जितना चैंटिंग कर रहे हैं वो सारा आपको लिखना है, ठीक और है? जो डोनेट करते हैं वो भी लिखना है ना माँ? हाँ, वो भी लिखना है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, देखिए वैसे तो मैं आप सबको ये सजेस्ट करूंगी हाँ कि ऑलरेडी एसबीसी का अगर आप देखो तो डोनेशन चला जा रहा है, 5-5% 10% ऐसे डोनेशन आपके अलग अलग सेक्टर्स में मैं करती ही हूँ। तो आप लोग ऐसे इंडिविजुअली डोनेशन की जरूरत आपको वैसे है भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम है तब आप डोनेशन जरूर करिए, संकल्प चैंटिंग और डोनेशन, अदरवाइज नॉर्मल चैंटिंग करिए सो दैट आप मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन मदर अर्थ को दे पाए। हाँ, इनका जैसे मैंने बताया ना प्रॉब्लम पैर की वजह से, तो इनको मैं करती हूँ, इसके लिए मैं पूछ रही हूँ। देखिए आप अगर स्मार्ट हैं तो आप क्या करेंगी, हाँ। आप हर कितना डोनेट कर पाते होंगी, 4 माला 6 माला 10 माला, हाँ। लेकिन अगर आप स्मार्ट हैं, आप ये डोनेशन ना करके आप उनसे एसबीसी करवाइए तो फिर उनको अच्छा। इससे काफी ज्यादा मिल जाएगा कर्मा। जी जी माँ, है ना, आप उनको तो चना ना देकर आप सुनते हैं माँ, वो चैंटिंग भी करते हैं मेरे साथ, सुनते भी हैं। नहीं नहीं नहीं, दिल से करना है ये करके करना अच्छा। है कि मुझे भी कंट्रीब्यूट करना है, आई वांट टू बी एन एसेट, मैं किसी के काम आऊं, मैं धरती माँ के काम आऊं, मैं दुखी लोगों के काम आऊं, तब ठीक है। हाँ जी माँ, इससे ज्यादा आपको जल्दी ठीक होना है ना। हाँ हाँ, अब एक दवाई को सिर्फ सूंघ के तो नहीं चले जाएंगे, दवाई को निगलेंगे पानी से। देखिए मैं ना खूब डांट लगा देती हूँ, प्लीज माइंड मत करिए, लेकिन मेरा ऐसा ही रहता है। आपका पूरा हक है। यस, वन थिंग रूपाली, हम आपसे बचे। हेलो, हाँ विराट अंकल, सोलह माला तो मैं कॉन्शियसली जागरूक स्टेटस में कर ही लेता हूँ, जो मैं नॉर्मली नोट करता हूँ, बाकी जो थ्रू द नाइट चलता है दैट आई जस्ट लीव इट टू लॉर्ड कृष्णा। वो तो मत ऐड करिए, जागृत हालत में जो करते हैं वही करिए। हाँ वही मैं कर रहा हूँ। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू मां। ओके, सो चौरी जी ने हैंड रेस कर रखा है। हाँ, ये स्लाइड खत्म करके फिर उनका क्वेश्चन लेके खत्म करेंगे। ओके, तो बस ये लास्ट स्लाइड है हमारा, तो आप लोग अभी ऑलमोस्ट वी आर डन नाउ, फिर नेक्स्ट सेशन हमारा 4 बजे का होगा। दिस इज नाउ डेडिकेटेड ऑन भगवद गीता सेशन, दिस बार 38 है, और आपको पता है माँ का भगवद गीता सेशन में सारे नॉलेज को इस तरह से माँ हमें शेयर करते हैं कि वो हमारा एवरीडे बेसिस में काम आ सके, राइट? तो इट इज ऑल्सो अमेजिंग नॉलेज, और मोस्ट ऑफ द पीपल जो भगवद गीता सेशन सुनते हैं वो माँ से बहुत ही अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं। सो इसलिए सारे मेंटर्स आप देखेंगे भगवद गीता के ऊपर बहुत प्रेशराइज करते हैं। तो ये है आज का 4 बजे का सेशन, तो सेम लिंक है, आप लोग डेफिनेटली जुड़िए विद दैट। अच्छा, चैंटिंग तो शायद है, वो क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, है ना, फिर हम लोग चैंटिंग अभी नहीं करेंगे, भगवद गीता सेशन के बाद करेंगे। ओके ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। Yeah, it is very late. That's why, right? Seema Jhawari ji, आप unmute करके पूछ सकते हो आपको क्या question है? आपका hand raised है? Hello. हाँ जी. Hello. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Maa. Hare Krishna, बोलिए. नहीं माँ, बस मुझे आपका आभार व्यक्त करना है, जब से आपसे जुड़ी हूँ तब से जीवन में बहुत बदलाव आ गया है, उन सब चीजों को अपने जीवन में उतारने की पूरी तरह से कोशिश कर रही हूँ और बहुत दिल से शिद्दत से कर रही हूँ, आप देख ही पा रही होंगी, कहीं कोई कमी मेरी तरफ से लगे तो आप प्लीज मुझे बताइएगा, मेरे मेंटर के थ्रू मुझे मैसेज दिलवा दीजिएगा। और बीच में मेरे को एक अनुभव हुआ था HKM करते समय, तो मैंने अपनी मेंटर को बता दिया था, तो उन्होंने कहा था दोबारा ऐसा हो तो वो मुझे बताएं, दोबारा मेरे साथ ऐसे वैसे नहीं हुआ है और मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी मेंटर so नीना जी है ना? नहीं, निकेता जी है मेरी मेंटर, निकेता। अच्छा जी, जी इनको क्या हुआ था HKM के वक्त?
माँ इनके जो है ना एक साधु वेश में दिखे थे और वो एचकेएम करते टाइम झूमते हुए दिखे थे, बट वो बेसिकली वो तांत्रिक थे जो इनपे कंट्रोल करना चाहते थे, तो मैंने आपको इन्वोक करके उसी टाइम टेक केयर करने को बोला था और सीमा आंटी से भी, सीमा जी से भी बोला था कि अगर नेक्स्ट टाइम वो दिखे तो आप माँ को इन्वोक करिए और प्रोटेक्शन के लिए बोलिए, अगर दिखे हाँ. तो फिर मुझे बताइएगा भी. हाँ नहीं, मैं तो अब जब भी करती हूँ तो मैं माँ को इन्वोक शुरू में ही कर लेती हूँ कि मतलब आप मुझे प्रोटेक्ट कर दीजिए, तो मुझे दोबारा कुछ ऐसा हुआ नहीं है. पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है माँ आपसे जुड़ करके, आई लव यू माँ, लव यू कृष्णा जी, आपका आपको मेरे जीवन में प्रसाद के रूप में दे दिया उन्होंने. थैंक यू सो मच माँ, सो स्वीट ऑफ यू, लव यू टू, लव यू माँ. तो आप भी कोशिश करिए कि पीएन ग्रुप में ऐड होने के लिए आप अगर मेहनत कर रही हैं तो आपको वो निकेता गाइड करेगी, लेकिन हमारा ग्रुप बहुत फास्ट है, मतलब आपको टाइपिंग एंड एवरीथिंग फोन पे, और मैं जैसे अभी मैं आपको एकदम स्वीट सी लवी डवी दिख रही हूँ ना, ये मेरा मॉर्निंग सन है, सुबह का सूरज जी. फिर वो जो दोपहर का सूरज होता है वो मैं अपने पीएन और वीए ग्रुप में रहती हूँ. हाँ मैं टेक्निकली, मैं टेक्निकली बहुत अच्छी नहीं हूँ, कोशिश कर रही हूँ मैं कि मैं थोड़ा फास्ट कर पाऊँ, अभी मैं इस चीज में बहुत थोड़ी सी हूँ, लेकिन हाँ मैं जो कुछ मुझे कहा जाता है वो मैं बहुत डूब करके बहुत शिद्दत से करती हूँ. तो हम आपको पीएन ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं डांट लगा दूं और आपने ग्रुप छोड़ दिया तो सबका मेहनत वेस्ट. नहीं मैं, तो मेरे अंदर सुधार आएगा. अरे स्टार्टिंग में सब बोलते फिर भाग जाते क्योंकि मैं डांट. कोई बात नहीं माँ, माँ की डांट तो प्यारी होती है, अच्छे के लिए होती है ना. मैं कोशिश करूंगी माँ जी, मैं कोशिश करिए, निकेत आपको गाइड करेगी. होपफुली जैसा छोटा जी ऐड हो गई तो वैसे आपको भी अगर फ्यूचर में कर सके तो. वैसे हमारा हम बस चाहने से ही नहीं होता है, हायर बींग्स देखते हैं आपका कलर क्या है. क्या है इनका कलर निकेता? अभी मुझे डीप रेड आया. तो आपको डीप रेड से रेड आना है, हाँ रेड से आपको ऑरेंज आना है, ऑरेंज से आपको ग्रीन आना है, ग्रीन के बाद आपका एक सिंगल गोल्डन टिक जब दिखेगा हमको, मतलब तब आप पीएन के लिए रेडी हैं. तो आप जो कह रही थी ना आप में क्या इम्प्रूवमेंट करना है, तो आपको इतना सारा इम्प्रूवमेंट करके गोल्डन टिक तक आना है. ठीक है मैम, मुझे बस मुझे बता दिया करें कहाँ कमी कर रही हूँ, क्या है, मैं उसको पूरा तरह से करूंगी अच्छे से. आप सारे बीजी सेशन सुनना खत्म करिए, बीजी सेशन के बाद आप चैतन्य चरितामृत सेशन पे जाइए वो खत्म करिए, उसके बाद आप श्रीमद् भागवतम पे आइए वो खत्म करिए, और सारे पोस्ट को पढ़कर कमेंट करिए, बस इतना काफी है. ग्रुप का पोस्ट शेयर करिए अपने टाइमलाइन पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे, लोगों को एनकरेज करिए ज्वाइन करने के लिए. जैसे आपने मुझे अभी कहा आपकी जिंदगी में सुधार आपको दिख रहा, वही आप दूसरों को बोलिए. जी मैं बताती, मैं सबको बहुत रहती हूँ, कोशिश कर रही हूँ लोगों को जोड़ने की, और सारी जो आपकी पोस्ट पढ़ती हूँ उसके बारे में सबको बताती हूँ, चैंटिंग के लिए करती हूँ. अब मेरी बेटी भी माँ करने लगी है, स्टार्ट कर दिया है उसने, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है उसने सारी, वो भी कर रही है. तो होगा, मतलब 200 लोग मदर अर्थ की तरफ गुड वाइब्रेशन भेज रहे हैं, इजंट इट अ बिग थिंग? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात है मैम, है ना, वो है एटलीस्ट 200 क्रॉस करना है. आई थिंक 174 या 175 लास्ट वीक हम टच कर चुके थे, तो इसलिए मेहनत करके 200 क्रॉस करते हैं, फिर 300, फिर 500, फिर 1000, यही करेंगे. जैसे कि कोई कब कंप्लेन नहीं करेगा, हम एनर्जी को ही सुधार देंगे, तो कोई गलत होगा ही नहीं. ठीक है, मेरी डॉटर भी इस बार डालेगी, मैं उसका डाल दूंगी, अपने उसमें ही डाल दूंगी, जो जो भी कर पा रही है वो, जैसे भी कर पा रही है. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, ठीक जी माँ, ओके, थैंक यू माँ, लव यू माँ, लव यू माँ, लव यू. फाइन, आई थिंक हम ये सेशन खत्म करते हैं, जैसे लोग खाना पीना खा सके. कुछ कुछ लोग ऑलरेडी भाग चुके हैं, उनके पेट में चूहे कूद रहे होंगे, वो भाग चुके हैं, तो और हम लोगों को परेशान ना करके उन्हें मुक्त करते हैं. थैंक यू. और इंद्रनील आपको कुछ बोलना है या मैं थैंक यू प्रेयर बोलूं? आप थैंक यू प्रेयर बोल दीजिए. थैंक यू माँ, थैंक यू. ओके,
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौरव भक्त वृंदा बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे राधे कृष्ण थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू हम सबका दुख हरने के लिए, थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू ये फील कराने के लिए कि आप हो, आप हो, आप हमारे साथ हो, आप सब देख रहे हो, आप मुस्कुरा रहे हो, आप प्रोटेक्शन दे रहे हो, आप प्यार कर रहे हो, थैंक यू सो मच, बस इतना ही काफी है प्रभु, वी ऑल लव यू सो मच। राधे कृष्णा, बाय बाय, 4 बजे आना ना भूलिए।